गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज गौरव जैन और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना रिस्क मैनेजमेंट. दिस इज योर इलेक्टिव पेपर 6 ए. तो ये वाला पार्ट हम आज स्टार्ट कर रहे हैं. FSCM आपका ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और अब जो आपके पास लॉन्च हो रहा है, दिस इज योर रिस्क मैनेजमेंट. तो ये आपके पास बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है. जैसे FSCM आपके पास स्कोरिंग है, सेम आपके पास रिस्क मैनेजमेंट भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है. यहाँ पर आप इजिली 60-70-80 मार्क्स तक आप बना सकते हैं. ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत करके, बहुत थोड़ी सी मेहनत करके आप यहाँ पर अपना अच्छा टोटल बना सकते हैं. तो जो भी ग्रुप 2 में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए आप रिस्क मैनेजमेंट या FSCM से कोई भी आप कवर कर सकते हैं. दोनों में जो डिफरेंस है वो मैं आपको एकदम क्लियर बता सकता हूँ यहाँ पर, कि रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा थ्योरेटिकल है और FSCM में ज़्यादा प्रैक्टिकल है. आपके पास फैक्टरिंग है, आपके पास वहाँ पर लीजिंग का टॉपिक है, साथ में आपके पास म्यूचुअल फंड्स का टॉपिक है, साथ में स्टार्टअप का आपके पास प्रैक्टिकल है. तो वो थोड़ा वहाँ पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ज़्यादा है, थ्योरेटिकल वहाँ पर थोड़ा कम है. बट अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट की बात करूँ तो एक ही चैप्टर है जहाँ पर आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, उसके अलावा आपके पास यहाँ पर पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है. बट यहाँ पर स्कोर करना बहुत ईजी है. अभी इंस्टीट्यूट का भी वहाँ पर अगर मैं देखूँ, एग्ज़ाम का लेवल बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं है. FSCM में थोड़ा सा उन्होंने वहाँ पर एड ऑन किए हैं चीज़ें, नई चीज़ें लेके आए हैं. अब की बार फैक्टरिंग और लीजिंग लेके आए, तो हो सकता है वहाँ पर और इजी हो एग्ज़ाम. बट दोनों ही सब्जेक्ट एकदम इजी सब्जेक्ट हैं. वो आपकी चॉइस है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट वहाँ पर ऑप्ट करना है या आपको FSCM को, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट को ऑप्ट करना है. तो दिस इज़ योर चॉइस. बट दोनों ही अच्छे सब्जेक्ट हैं जहाँ सर आप स्कोर कर सकते हैं. उसके अलावा जो भी इलेक्टिव्स हैं बहुत थ्योरेटिकल है. आपके पास इंटरनेशनल टैक्स है, इकोनॉमिक लॉ है, तो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है. अगर आपको वहाँ पर मार्केट में आगे आपको देख लीजिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को ज्वाइन करना है, या आपको रिस्क मैनेजर बनना है, या FRM का आपको कोर्स ज्वाइन करना है, या CFA आपको करना है, तो डेफिनेटली आपको दोनों में से किसी एक को ऑप्ट करना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट या FSCM. ठीक है, तो इस पूरी क्लास में मैं डिस्कस करूंगा पहले पूरा पेपर पैटर्न, क्या पूरा पेपर पैटर्न है, साथ में आपको एग्जाम में क्या क्या साथ में लेके जानी है चीज़ें वो डिस्कस करूंगा. साथ में मैं बताऊंगा कि यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए जिससे आप वहां पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जल्दी से आप वहां पर ज्यादा स्कोर कर सकते हैं. तो वो मैं आपको थोड़ी स्ट्रेटजी बताऊंगा, केस स्टडी कैसे सॉल्व करनी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. साथ में एक पूरा इंट्रोडक्शन में डिस्कस करूंगा, व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट, व्हाट इज रिस्क, व्हाट इज एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, व्हाट इज अनसर्टेनिटी, व्हाट इज सर्टेनिटी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क. वी हैव मार्केट रिस्क, वी हैव ऑपरेशनल रिस्क, वी हैव स्ट्रेटेजिक रिस्क. तो वो सारी चीजें मैं यहां पर आपके साथ यहां पर डिस्कस करने वाला हूं. तो दिस इज योर इंट्रोडक्शन क्लास, वो पूरा पार्ट यहां पर देख लीजिए कवर होगा. तो दिस इज योर CA फाइनल इलेक्टिव पेपर 6 ए रिस्क मैनेजमेंट. तो सबसे पहले स्टार्ट विद अ पेपर पैटर्न, क्या पेपर पैटर्न है और क्या क्या चीज़ें हमें वहाँ पर लेके जानी है, साथ में वहाँ पर कौन कौन से चैप्टर हैं, किस तरह से इंस्टीट्यूट ने पूरे वहाँ पर सब्जेक्ट को डिवाइड किया है. ठीक है, तो पूरा हम डिस्कस करते हैं एक बार. तो देखिए सर, दिस इज योर रिस्क मैनेजमेंट. तो पेपर पैटर्न से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर. व्हाट इज योर पेपर पैटर्न? पूरा हेलीकॉप्टर व्यू यहाँ पर हम दे रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड. तो वो आपको हेल्पफुल होगा यहाँ पर जब आप इसके लिए प्रिपेयर करेंगे, और यहाँ पर इजीली आप 70-80 मार्क्स आराम से बना सकते हैं. ठीक है, जैसे FSCM है आपके पास स्कोरिंग, वैसे सेम आपके पास रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है. मैं कहूँगा कि अभी यहाँ पर ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं लोगों के रिस्क मैनेजमेंट में इन कंपैरिजन टू द FSCM. बट आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कि आप कौन सा ऑप्ट करना चाहते हैं. ठीक है, अगर आप FRM करना चाहते हैं तो यू शुड ऑप्ट फॉर रिस्क मैनेजमेंट. अगर आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंकर को वहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप फॉलो करें वहाँ पर FSCM को. ठीक है, तो मेरा तो यही वहाँ पर मेरा व्यू है, और आपकी चॉइस है कि आप किसको ऑप्ट करना चाहते हैं. मार्केट में आपके पास 6 इलेक्टिव पेपर्स हैं. ठीक है, तो देखिए पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो दिस इज़ एन ओपन बुक एग्जाम. अगर मैं फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करूँ तो दिस इज़ एन ओपन बुक एग्जाम. ओपन बुक एग्ज़ाम है, और ओपन बुक एग्ज़ाम है तो यहाँ पर आपके पास देख लीजिए इंस्टीट्यूट आपको कह रहा है कि आप कुछ भी मटेरियल अपने साथ ले जा सकते हैं. प्रिंटेड फॉर्म में आप कोई भी मटेरियल ले जा सकते हैं जो आपको लगता है कि आपके सब्जेक्ट से लिंक्ड है, तो कोई भी मटेरियल आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं. तो वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आप कैरी कर सकते हैं. तो थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें कैरी करेंगे. सेकेंड पॉइंट
जो यहाँ पर पेपर पैटर्न के लिए हमें बताएंगे, वी हैव 5 केस स्टडीज। तो एक चीज बहुत क्लियर है सर कि यहां पर पहले आपके पास 3 केस स्टडीज आती थी, तो काफी बड़ी बड़ी केस स्टडीज होती थी और वहां पर आपके पास रिस्क ज्यादा था। बट अब मैं कहूंगा कि अगर 5 केस स्टडीज हैं तो वहां पर रिस्क कम है। रिस्क कम कैसे है सर? अगर वहां पर आपके पास एक ऑप्शन में थी, आपके पास 2 केस स्टडी आपको करनी है, अगर किसी वजह से आपको 2 केस स्टडी नहीं आती है तो आपका एग्जाम फंस सकता था वहां पर, समझ पा रहे हैं? तो पहले ज्यादा रिस्क था क्योंकि वहां पर कम केस स्टडीज थी, अब आपके पास 5 केस स्टडीज है। सेकेंड जो वहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले वहां पर बड़ी केस स्टडी होने से बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते थे, बड़े बड़े आंसर्स आपको लिखने होते थे, बट अब आपके पास वहां पर 5 केस स्टडीज हैं, छोटी छोटी केस स्टडीज हैं, वहां पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन वहां पर कम हो गए हैं, आपको कम लिखना पड़ेगा, पॉइंट टू पॉइंट लिखना पड़ेगा और इजिली आप वहां पर मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो अब जो वहां पर केस स्टडीज जो अब पैटर्न है पूरा केस स्टडीज का, अब ज्यादा बेटर है। अगर आपके पास वहां पर 5 केस स्टडीज हैं तो वहां पर अगर आपको किसी वजह से 2 केस स्टडी नहीं आती है तो 3 केस स्टडी करके आप वहां पर अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो वो मैं पूरा पैटर्न आपको बता रहा हूं, इसमें से आपको यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 25 मार्क्स ईच, अटेम्प्ट एनी 4। कोई भी 4 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं 25 मार्क्स ईच एंड दिस इज योर 100 मार्क्स पेपर। तो उसको उन्होंने 2 जगह डिवाइड किया है एक केस स्टडी को, तो थर्ड पॉइंट लिखिए केस स्टडी 25 मार्क्स, उसको उन्होंने 2 जगह डिवाइड किया है, एक है 10 मार्क्स एमसीक्यूज। 25 मार्क्स में से 10 मार्क्स के तो आपके पास एमसीक्यूज हैं सर, तो वी हैव 5 एमसीक्यूज 2 मार्क्स ईच, तो मोस्टली आपके पास 5x2 पैटर्न में आपको एमसीक्यूज दिख रहे हैं। और एमसीक्यूज के लिए मैं आपको एक चीज सिंपल बताऊंगा कि मैं आपको यहां पर पूरा 100% स्टडी मटेरियल गो थ्रू कराऊंगा, अच्छे से रीड कराऊंगा, अच्छे से उसको समझाऊंगा, पूरा वर्ड बाय वर्ड इंटरप्रिटेशन आपको बताऊंगा 100% स्टडी मटेरियल को, जिससे ये पूरे 40 मार्क्स का एमसीक्यू आपका इजीली क्रैक हो जाएगा, आपको कोई केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो जो भी आपके पास एमसीक्यूज यहां पर आ रहे हैं वो डायरेक्टली आपके पास एमसीक्यूज हैं, उसका ज्यादा केस स्टडी से कोई लेना देना नहीं है। तो उस केस में हम 100% स्टडी मटेरियल को गो थ्रू करेंगे, उसको वर्ड बाय वर्ड इंटरप्रेट करेंगे, तो उससे बेनिफिट क्या होगा, जैसे ही आप एमसीक्यू देखोगे तो एक मिनट में आप उसको क्रैक कर लोगे। सेम पैटर्न मैं एफएससीएम में फॉलो करता हूं, एक एक वहां पर चैप्टर को मैंने गो थ्रू कराया है, इंस्टीट्यूट का मटेरियल फॉलो कराया है और उसका बेनिफिट क्या हुआ, एग्जाम में स्टूडेंट्स को एमसीक्यू क्रैक करने में मुश्किल से 20 मिनट्स लगे, 20 मिनट्स में उन्होंने पूरे एमसीक्यूज को क्या कर लिया, क्रैक कर लिया, ठीक है? तो यू शुड फॉलो दिस पैटर्न। अगर आप क्लास भी नहीं करते हैं तो आप स्टडी मटेरियल को बहुत अच्छे से वहां पर पढ़ें, एक एक वर्ड को पढ़ें और उसका बेनिफिट क्या होगा कि आप वहां पर एमसीक्यू को 40 मार्क्स को आप इजिली क्रैक कर लोगे, मुश्किल से एक दो एमसीक्यू आपका फंस सकता है, अदरवाइज 35-36 मार्क्स का इजिली आप एमसीक्यू क्रैक कर लोगे, ठीक है? उसके बाद सेकेंड आपके पास 15 मार्क्स का जो केस स्टडी में है, वो 3 तरह से आपके पास हो सकते हैं क्वेश्चन, एक केस स्टडी लिंक्ड क्वेश्चंस, केस स्टडी रिलेटेड। तो एक चीज मैं आपको पहले बताता हूं कि केस स्टडी में स्टार्टिंग में आपको करना क्या है, आपको कभी भी स्टार्टिंग में केस स्टडी नहीं रीड करनी है, आपको स्टार्ट कहां से करना है, क्वेश्चन से। तो आप एमसीक्यू भी करें, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी करें, तो पहले आप वहां पर केस स्टडी के क्वेश्चंस पढ़ें, और अगर जरूरत लग रही है कि आपको केस स्टडी पढ़ने की जरूरत है तो आप मूव करें केस स्टडी रीड करने पे, अदरवाइज डायरेक्टली भी आपके पास क्वेश्चंस होते हैं। तो वी हैव केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, वी हैव डायरेक्ट क्वेश्चंस। हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें केस स्टडी का कोई रोल ही नहीं है। तो अभी तक मेरा यही यहां पर एक्सपीरियंस रहा है कि जो इंस्टीट्यूट की केस स्टडीज आई हैं उसमें नॉर्मली मैंने देखा है कि वहाँ पर ज़्यादा लिंक नहीं होता है केस स्टडी से, एक दो क्वेश्चन ही होते हैं जो वहाँ पर डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं केस स्टडी से, अदरवाइज डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, उसका केस स्टडी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है?
तो वी हैव केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चंस, वी हैव डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड वी हैव प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो यहां पर आपके पास एक ही चैप्टर है, रिस्क मॉडल्स करके एक चैप्टर है जहां पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। पहले क्वांटिटेटिव टेक्निक्स भी था बट उसको उन्होंने रिमूव कर दिया है। अब आपके पास एक ही चैप्टर है, दिस इज योर रिस्क मॉडल्स, ठीक है। तो वो एक प्रैक्टिकल पोर्शन हम बहुत अच्छे से करेंगे, तो डेफिनेटली एक केस स्टडी आपकी कहाँ से आएगी, रिस्क मॉडल से आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा चार केस स्टडी आपको डिफरेंट चैप्टर से मिल सकती है। यहाँ पर कोई डायरेक्ट उन्होंने कोई वेटेज नहीं दिया है, इंस्टीट्यूट ने कोई वेटेज नहीं बताई है कि इस पोर्शन से इतने मार्क्स का आएगा या इस पोर्शन से इतने मार्क्स का आएगा, कोई भी डायरेक्ट वेटेज नहीं है। वो वहाँ पर कहीं से भी आ सकता है बिकॉज दिस इज एन ओपन बुक एग्जाम, कहीं से भी वो कुछ भी पूछ सकते हैं, देर इज नो वेटेज। बट मुझे जो लगता है कि यहाँ पर एक ही चैप्टर प्रैक्टिकल पोर्शन का है तो वहाँ से एक केस स्टडी आपके पास आएगी, ठीक है। तो वहाँ पर या आपको डिफरेंट केस स्टडीज में क्वेश्चन दे सकते हैं, तो अबाउट 10-20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल आ सकता है, 10-15 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल आ सकता है, ठीक है। तो दिस इज योर पैटर्न ऑफ योर केस स्टडी, कि केस स्टडी आपके पास देख लीजिए 25 मार्क्स की केस स्टडी है, 10 मार्क्स का वहां पर एमसीक्यू है और 15 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव या प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जो केस स्टडी लिंक हो सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है या प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके पास हो सकता है, ठीक है। नाउ द फोर्थ पॉइंट, स्टडी मटीरियल। अब स्टडी मटेरियल को तीन चार पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया है, कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन, दिस इज लिंक टू द इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन से लिंक आपके पास दो चैप्टर हैं, द फर्स्ट वन इज योर इंट्रोडक्शन टू रिस्क, सेकेंड आपके पास क्या है, दिस इज योर सोर्सेज एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क। तो वी हैव टू चैप्टर्स, दो चैप्टर यहां पर आपके पास इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, इंट्रोडक्शन टू रिस्क एंड सोर्सेज एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क, और एक नया चैप्टर इस बार उन्होंने ऐड किया, दिस इज फॉर May 2020, दीज आर इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। तो व्हाट आर द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, उसका पूरा इवैल्यूएशन है। तो दीज आर द थ्री चैप्टर्स, दे आर लिंक टू द इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर तीन ये चैप्टर्स उन्होंने कवर किए हैं, द फर्स्ट वन इज योर इंट्रोडक्शन टू रिस्क, सेकेंड वन इज योर सोर्सेज एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क, एंड द थर्ड वन इज इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। इसी के साथ सेकेंड जो हमारे पास पोर्शन है, दीज आर जनरल टॉपिक्स, तो जो लोग FRM करना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली रिस्क मैनेजमेंट को ऑप्ट करें, तो उनको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा FRM का और वो इजिली क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और जितने भी आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं या बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, तो वो डेफिनेटली FRM को वहाँ पर हायर कर रहे हैं। तो आप डेफिनेटली CA के साथ बाद में क्या कर सकते हैं, FRM कर सकते हैं, और उससे क्या होगा कि यू विल बिकम द रिस्क मैनेजर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वहाँ पर रिस्क ऑफिसर आप बन सकते हैं, चीफ रिस्क ऑफिसर आप बन सकते हैं, CRO बोलते हैं उसको, वो आप बन सकते हैं वहाँ पर। तो इस सब्जेक्ट को ऑफ करने के पीछे यही कारण हो सकता है आपका, कि यू विल बिकम द रिस्क मैनेजर, आप रिस्क मैनेजर बनना चाहते हैं या बन वहाँ अगर आप FRM कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप बन जाएंगे, ठीक है। तो साथ में देखिए, जनरल टॉपिक्स में वी हैव रिस्क मैनेजमेंट, तो एक रिस्क मैनेजमेंट हमने SFM में भी पढ़ा था टॉपिक, और वो वहां पर थ्योरी प्लस वहां पर स्मॉल प्रैक्टिकल था, तो वो पार्ट भी हम यहां पर भी कवर करेंगे। और साथ में आपके पास वी हैव एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, वी हैव एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज योर थर्ड पोर्शन ऑफ दिस सब्जेक्ट एंड दीज आर एरियाज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट।
तो वी हैव 9 चैप्टर्स जो इस पूरे वहाँ पर सब्जेक्ट में 9 टॉपिक्स हैं आपके पास, 9 आपके पास चैप्टर्स स्टडी सेशंस हैं. तो दीज आर द एरियाज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड दिस इज योर फर्स्ट वन इज योर ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट. Second one is your credit risk management, credit risk measurement and management, measurement and management. And the third one is your corporate governance, ठीक है, risk associated with corporate governance. ये तीन आपके पास एरियाज हैं रिस्क मैनेजमेंट के. साथ में एक मार्केट रिस्क मैनेजमेंट और होता है, वो चैप्टर उन्होंने यहाँ पर कवर नहीं किया है और मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली वो SFM के थ्रू उसको कवर कराना चाह रहे हैं. ठीक है, तो जो मुझे लगता है यहाँ पर कि वो आपसे डेरिवेटिव्स पूछ सकते हैं, वो आपसे इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट पूछ सकते हैं, वो आपसे फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट पूछ सकते हैं, तो वो मार्केट रिस्क का पार्ट पूछ सकते हैं, कमोडिटी रिस्क को वो पूछ सकते हैं. ठीक है, तो वो सिक्योरिटी रिस्क एनालिसिस जो डेरिवेटिव में हमने डिस्कस किया है. सेकंड आपके पास इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, दिस इज रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट रिस्क. एंड वी हैव फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, दिस इज रिलेटेड टू द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क. और साथ में कमोडिटी से रिलेटेड भी हमने चीज़ें डिस्कस की हुई SFM में, वो भी यहाँ पर वो पूछ सकते हैं. तो आप वो प्रिपेयर करके ही जाएं. तो मैं वो लिखाऊंगा अभी आपको कि SFM का कौन सा मटेरियल आपको करना है. एंड वी हैव डेरिवेटिव्स पार्ट, वी हैव इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट पार्ट, एंड द लास्ट वन इज योर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट पार्ट. वो आपको डेफिनेटली करना है बिकॉज दिस इज एन ओपन बुक एग्जाम और वो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए आप SFM का पार्ट, ये वाला पार्ट आप स्पेशली प्रिपेयर करके जाएं, देख के जाएं और साथ में अपना SFM का रजिस्टर भी साथ में लेके जाएं. ठीक है सर, तो ये तीन पोर्शन आपके पास है. दीज आर द एरियाज ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट. एंड साथ में फोर्थ पॉइंट आपके पास यहाँ पर क्या है, प्रैक्टिकल चैप्टर. एंड दिस इज रिलेटेड टू द रिस्क मॉडल्स. ठीक है, तो फोर्थ वन इज योर प्रैक्टिकल एरिया, प्रैक्टिकल एरिया. एंड दिस इज योर चैप्टर रिस्क मॉडल्स. तो अगर मैं काउंट करूं तो वी हैव 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 एंड वी हैव 9 चैप्टर्स, वी हैव 9 स्टडी सेशंस. तो ये आपके पास देख लीजिए, दीज आर द 4 पोर्शंस जो हम कवर करेंगे वन बाय वन. पूरी एक एक चीज़ें हम कवर करेंगे, प्रैक्टिकल पोर्शन भी बीच में हम कवर करेंगे. साथ में जो हमारा इंपॉर्टेंट एरिया है, दिस इज ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट एंड दिस इज रिस्क एसोसिएटेड विद द कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो आजकल आप जो प्रैक्टिकल मार्केट में देख रहे हैं, वी हैव डिफरेंट PMS बैंक इशू, वी हैव ILFSS इशू, तो वो सब किससे रिलेटेड था, दिस इज रिलेटेड टू द कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो वो सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. जितनी भी प्रैक्टिकल केस स्टडी है उसका क्रक्स मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, या कोई भी स्कैम्स हुए हैं, या कोई भी वहाँ पर आपके पास नीरव मोदी केस है तो वो भी, उसके बारे में भी, उसके कुछ हाइलाइट्स एरिया को भी हम वहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे. तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट. एक एक चीज़ हम बहुत प्रैक्टिकल वे में इसको डिस्कस करने वाले हैं, एक एक चैप्टर को हम प्रैक्टिकल वे में. साथ में मैं आपके कुछ नोट्स मेंटेन कराऊंगा, वो नोट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, रिवाइज करने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो वो भी हम लिखेंगे यहाँ पर. आप सही से नोट्स को प्रिपेयर करना. ठीक है, तो मैं इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी कवर करूंगा, साथ में अपने नोट्स भी प्रिपेयर कराऊंगा, प्रैक्टिकल पोर्शन भी कवर करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी है. साथ में इंस्टीट्यूट की जो केस स्टडीज़ हैं या जो करंट आपने देखा होगा, न्यू पैटर्न के हिसाब से आपके पास जो आपका जो मॉक टेस्ट पेपर आया था, साथ में जो इस बार का एग्जाम पेपर था नवंबर 19 का, वो भी सब हम क्लास में कवर करने वाले हैं. पुरानी केस स्टडीज़ भी, जो रेलेवेंट केस स्टडीज़ हैं, वो भी हम वहाँ पर कवर करने वाले हैं. ठीक है सर, तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज़ योर पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम, कि ये पूरा पैटर्न क्या है आपके पास, पूरा प्रैक्टिकल एरिया रिस्क मॉडल्स से रिलेटेड, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर करने वाले हैं. क्वांटिटेटिव मॉडल्स, क्वालिटेटिव मॉडल्स, तो वो सब वहाँ पर डिस्कस होगा. साथ में आपको क्या क्या कैरी करना है एग्ज़ाम में, वो भी आप लिख लीजिए. ठीक है, तो दिस इज़ ऑन एग्ज़ाम डे, आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी हैं. तो देखिए सर, कैरी
with you in your exams. In exams, you should carry first. सबसे पहले आपको क्या कैरी करना है? स्टडी मटेरियल. ICI स्टडी मटेरियल. और इसी के साथ आप लिख लो कि हमारा जो स्टडी मटेरियल है उसमें मैंने आपको इंडेक्सिंग करके दे दी है. तो पूरा मैंने वो मटेरियल ICI के हिसाब से ही बनाया है पूरा. तो वी हैव आवर मॉड्यूल, इसी के साथ आप रखें उसको विद इंडेक्सिंग, विद इंडेक्स. और मैंने इस तरह से इंडेक्सिंग की है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक पूरा एग्जाम्पल इसका पूरा. आप देख सकते हैं दिस इज अवर स्टडी सेशन वन और मैंने वहां पर उसकी पूरी इंडेक्सिंग करके आपको दी है. ठीक है, एक एक पॉइंट मैंने बना के दिया है. जिस भी पॉइंट से रिलेटेड आपके पास केस स्टडी आएगा आप डायरेक्टली उसको ओपन कर सकते हैं और पेज नंबर सामने ही लिखा हुआ है, आप पेज नंबर के अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं. तो अगर वो वहां पर ICS स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड कुछ पूछ रहा है तो पेज नंबर 4 पे है. दिस इज बिजनेस इंटरनल एंड एक्सटर्नल से रिलेटेड पूछ रहा है तो पेज नंबर 9 पे है. रिस्क कैटेगरीज कॉसो वो पूछ रहा है, इनहेरियंट एंड रेसिडुअल रिस्क पूछ रहा है. तो मैंने डायरेक्टली आपको इंडेक्सिंग करके दी है तो आप इसको साथ में ही रखें. ठीक है, तो मैंने पूरे ICA मटेरियल के हिसाब से ही पूरा बनाया है, पूरा इंडेक्सिंग आपके साथ की है वहाँ पर. तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं और ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा इन योर एग्जाम्स कि आप डायरेक्टली चीज़ों पे पहुँच सकते हैं. कोई MCQ आपको अगर नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्टली वहाँ पर जा सकते हैं, साथ में कंपेयर कर सकते हैं. आप जो सोच रहे हैं आंसर या मटेरियल के अकॉर्डिंग क्या आंसर है तो डायरेक्टली आप कंपेयर कर सकते हैं और बहुत जल्दी आप इन चीज़ों को सर्च कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप चाहें तो अलग से खाली इंडेक्स को भी वहाँ पर फोटोकॉपी करके साथ में ले जा सकते हैं जिससे आप जल्दी जल्दी सारे चैप्टर्स को एक साथ देख सकते हैं. ठीक है, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं. तो देखिए सर, नेक्स्ट आपके पास, तो आपको सबसे पहले ICI स्टडी मटेरियल को लेके जाना है, साथ में हमारा मॉड्यूल साथ में रखना है उसके साथ विद इंडेक्स. ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो आपको लेके जाना है, क्लास नोट्स. तो जब आपके पास एग्जाम आएगा तो एग्जाम से पहले आपको रिवीजन करना होगा तो इस क्लास नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं, प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए भी और थ्योरेटिकल के लिए भी. पॉइंट्स वाइज हम चीज़ें एक बार डिस्कस करेंगे और साथ में उसको ICI के मटेरियल के साथ भी क्या करेंगे, मैच करेंगे. ठीक है, तो मैं आपको क्लास नोट्स भी कुछ लिखवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, साथ में पूरा स्टडी मटेरियल में 100% वहाँ पर आपके साथ वहाँ पर डिस्कस करूँगा, एक एक पॉइंट को वहाँ पर कवर करूँगा. उसकी इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है तो वहाँ इंटरप्रिटेशन की भी को भी हम यूज़ करेंगे. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट आपको लेके जानी है केस स्टडीज़, जो ICI की केस स्टडीज़ हैं, साथ में मॉक टेस्ट पेपर प्लस एग्ज़ाम पेपर सजेस्टेड. ये सब चीज़ें मैं एक लिंक बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा. ये चीज़ें आपको लेके ही जानी है, समझ पा रहे हैं? सब चीज़ें आपको लेके जानी है, अपना मॉड्यूल लेके जाना है, ICI का मॉड्यूल लेके जाना है, अपना हमारी जो क्लास का मॉड्यूल है वो आपको लेके जाना है, साथ में क्लास नोट्स आपको लेके जाने हैं. इससे आप जल्दी रिवाइज कर सकते हैं एग्ज़ाम टाइम पे, साथ में केस स्टडीज़ जो भी ICI की केस स्टडीज़ है, मॉक टेस्ट पेपर्स, एग्ज़ाम पेपर्स, सजेस्टेड पेपर्स. साथ में एक आपके पास रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस हैं, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ. ICI की गाइडलाइन है, दिस इज ऑन RBI, दिस इज रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, तो वो आपको लेके जानी है. तो ये आप देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट जो ये सब्जेक्ट है, दिस इज डायरेक्टली लिंक टू योर ऑडिट सब्जेक्ट. तो वहाँ पर भी आपके पास रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं जो ऑडिट में आप फॉलो करते हैं. तो अगर मैं बात देखूँ तो यहाँ 10-20% जो ये पोर्शन है पूरा रिस्क मैनेजमेंट का, दिस इज़ लिंक टू द ऑडिट. समझ पा रहे हैं किससे लिंक्ड है? ऑडिट से. ऑडिट में आप बहुत इनडेप्थ नहीं पढ़ते हैं बट यहाँ पर आप इनडेप्थ डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो एक बार मैं ये RBI गाइडलाइन भी आपके साथ गो थ्रू कर लूँगा. जब हम ये सारे टॉपिक्स कर लेंगे तो लास्ट में एक बार गो थ्रू करा दूंगा क्योंकि इसके अंदर वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं जो यहाँ पर आप टॉपिक्स में पढ़ेंगे. ठीक है, बट फिर भी वो अलग से आपके पास वो गाइडलाइन होनी चाहिए. अगर उससे रिलेटेड कुछ पूछ रहे हैं तो आप वहां से देख के कर सकते हैं. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट सिक्स पॉइंट यहां पर आपके पास क्या है,
SFM register. SFM का आपको रजिस्टर लेके जाना है सर, जिसमें कौन कौन से टॉपिक्स हो, डेरिवेटिव्स, साथ में आपके पास इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट IRRM, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट एंड वी हैव फॉरेक्स. तो कुछ पोर्शन, प्रैक्टिकल पोर्शन यहाँ से पूछा जा सकता है, क्योंकि ये ओपन बुक एग्जाम है. तो SFM का रजिस्टर आप फॉलो करें, क्योंकि दिस इज़ द लिंक टू द मार्केट रिस्क. वैसे उन्होंने मार्केट रिस्क चैप्टर नहीं दिया है आपके कोर्स में, बट कहीं ना कहीं वो पूछ सकते हैं. ठीक है, तो वी हैव डेरिवेटिव्स, वी हैव इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट एंड वी हैव फॉरेक्स. तो ये आपके SFM के रजिस्टर में होने चाहिए तीनों टॉपिक, और इससे रिलेटेड कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है. मैं कोई गारंटी नहीं कह सकता, बट वो आ सकता है, बहुत वहाँ पर प्रोबेबिलिटी है, और हम अपने रिस्क को मिनिमाइज करके चलेंगे. ठीक है, और टॉपिक भी आपका रिस्क मैनेजमेंट भी है, और यहाँ पर आपके पास अपने रिस्क को मिनिमाइज करके चलेंगे. जो भी कोई अनसर्टेनिटी है उसको क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे. तो कहीं ना कहीं अगर वो डेरिवेटिव, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का क्वेश्चन या फॉरेक्स का क्वेश्चन आ गया, तो हम उसको डायरेक्टली क्रैक कर सकते हैं. दिस इज फ्रॉम योर SFM रजिस्टर, या आप वहाँ पर SFM का प्रैक्टिस मैनुअल भी कैरी कर सकते हैं. तो अगर कोई डायरेक्ट प्रैक्टिकल आपको मिल गया, तो आप SFM के प्रैक्टिस मैनुअल से डायरेक्टली उसको सॉल्व कर सकते हैं. तो ये पोर्शन आपको मिल सकता है एग्जाम में, किसी भी केस स्टडी में. ठीक है, साथ में अलग से इंडेक्स भी ले जाना सर, इंडेक्स अलग से, सेपरेटली इंडेक्स आप कॉपी करके ले जाना वहां पर. जितनी भी इंडेक्सेस मैंने चैप्टर के साथ में बनाई है, हर चैप्टर के साथ बनाई है, तो उसको वहां पर फोटोकॉपी करा लेना और अपने साथ इंडेक्स रख लेना सर वहां पर. उसका बेनिफिट क्या होगा कि आप जल्दी से सर्च कर सकोगे, और जितना वहां पर जल्दी आप सर्च कर पाओगे, उतना जल्दी आपका पेपर क्रैक हो जाएगा. ठीक है, वी हैव 4 आवर्स, 4 घंटे हमारे पास हैं, और 25 मार्क्स की एक केस स्टडी है. तो मतलब 1 घंटा आपके पास है एक केस स्टडी सॉल्व करने के लिए. और ये मेरी गारंटी है सर, अगर आप 100% मॉड्यूल को अच्छे से गो थ्रू करके जाओगे, अच्छे से इंटरप्रिटेशन देख के जाओगे, तो MCQ 40 मार्क्स का MCQ मेरी गारंटी है 20-25 मार्क्स में कंप्लीट हो जाएगा. आपको उसके लिए ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट तभी होगा जब आप मॉड्यूल को अच्छे से करके जाओगे सर. ठीक है, तो ये मेरी गारंटी है सर, वो होने ही वाला है गारंटी से, वो 20-25 मार्क्स में आप कर लोगे. उसके अलावा 60 मार्क्स के लिए आपके पास एम्पल टाइम है, इजीली आप वहाँ पर क्रैक कर सकते हो अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है. ठीक है, एंड यू कैन स्कोर 70-80-90 मार्क्स तक यहाँ पर हम स्कोर कर सकते हैं इन योर रिस्क मैनेजमेंट. ठीक है, तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज ऑल योर इंट्रोडक्शन पार्ट की, वहाँ पर आपका पेपर पैटर्न क्या रहे, साथ में आपका वहाँ पर आपको क्या क्या कैरी करना है. ठीक है, साथ में मैंने पहले ही बता दिया कि केस स्टडीज को सॉल्व करने का तरीका क्या है, कि वहाँ पर कभी भी हमें स्टार्टिंग में केस स्टडी को रीड नहीं करना है. हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, दिस इज़ फ्रॉम द क्वेश्चंस. पहले आप सारे क्वेश्चंस को रीड करें, MCQs को रीड करें, तो वहीं पे क्रैक हो जाएंगे. जो नहीं होंगे तो आप सर्च करके उसको क्रैक कर लोगे. साथ में क्वेश्चन रीड करें, अगर उसका केस स्टडी से कोई लिंक है तभी आप केस स्टडी पढ़ें, अदरवाइज केस स्टडी रीड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. देर इज़ नो रिक्वायरमेंट, आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करें. तो वहाँ पर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं. वहाँ पर डायरेक्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, या प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है. तो ये पूरा आपको फॉलो करना है वहाँ पर स्टार्टिंग में. अब जो मैं यहाँ पर आपके साथ कवर कर रहा हूँ इस पूरे क्लास में, दिस इज़ योर इंट्रोडक्शन, दिस इज़ इंट्रोडक्शन टू रिस्क, दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी चैप्टर. एक पूरा हेलीकॉप्टर व्यू है अबाउट द सब्जेक्ट. एक एक पॉइंट को हम वहाँ पर कवर करेंगे, जिससे एक पूरा एक फ्रेम बने, एक माइंड में पूरा फ्रेम क्रिएट हो कि व्हाट इज़ रिस्क मैनेजमेंट, व्हाट इज़ रिस्क. एक एक पार्ट को हम वहाँ पर कवर करें, और फिर हम वन बाय वन सारे टॉपिक्स को करते जाएंगे, और आप देखना वो ईजिली हो जाएगा. दिस इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट इलेक्टिव पेपर. ठीक है, तो FSCM आपके पास ईजी है, क्योंकि वो बहुत जनरल है. मैं एक आपको डिफरेंस बता देता हूँ. काफ़ी लोग कह रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट बहुत ईजी है, FSCM थोड़ा डिफिकल्ट है. थोड़ा मटेरियल ज़्यादा है FSCM में, बट दिस इज़ वेरी जनरल मटेरियल, याद रखना. वो वहाँ पर एक्सचेंज के बारे में बात कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, सेकेंडरी मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं. तो बहुत जनरल टॉपिक्स हैं वहाँ पर, और वहाँ पर कहीं ना कहीं SFM से लिंक बन रहा है. SFM में हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं. ठीक है, बट रिस्क मैनेजमेंट इज़ नॉट ए जनरल सब्जेक्ट. यहाँ पर ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, आपको स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पर उसको कर पाएंगे. तो FSCM इज़ वेरी जनरल,
फॉर ए सी ए जिसने फर्स्ट ग्रुप कर लिया है उसके लिए बड़ा जनरल सब्जेक्ट है, बट रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी स्पेसिफिक. डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, बट बहुत स्पेसिफिक है. आपको नॉलेज है तभी आप कर पाओगे एग्जाम में. तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप जनरल नॉलेज के हिसाब से जाना चाहते हैं तो FSCM को ऑप्ट करें, बट आपको स्पेसिफिक नॉलेज करनी है तो फॉलो रिस्क मैनेजमेंट. ठीक है, तो मेरा कोई यहाँ पर बायस व्यू नहीं है, मैं किसी भी सब्जेक्ट पे बायस नहीं हूँ. आप इकोनॉमिक लॉ लो, आप वहाँ पर इंटरनेशनल टैक्स हो, दिस इज़ योर चॉइस. मेरा काम फाइनेंस रिलेटेड सब्जेक्ट को पढ़ाना है और मैं वो उसको पढ़ा रहा हूँ सर. ठीक है, तो मैं FSCM ले रहा हूँ, मैं रिस्क मैनेजमेंट ले रहा हूँ, मैं वहाँ पर SFM ले रहा हूँ और मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस ले रहा हूँ. ठीक है, तो मैं सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ जो मेरे फाइनेंस रिलेटेड हैं. मेरा कोई बायस व्यू नहीं है, मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ, आप कोई भी ऑप्ट करें. बट यहाँ पर अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे जाना चाहता है, अगर वो रिस्क मैनेजर बनना चाहता है, वो वहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट से लिंक कुछ करना चाहता है, तो शुड फॉलो FSCM और रिस्क मैनेजमेंट. ठीक है सर, चलें आगे सर. नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज योर इंट्रोडक्शन पार्ट. अब देखिए नेक्स्ट है आपके पास इंट्रोडक्शन टू द रिस्क मैनेजमेंट. तो दिस इज द हेलीकॉप्टर व्यू कि मैं पूरा सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिस्क, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, व्हाट आर द टाइप ऑफ रिस्क, उसके बारे में बात कर रहा हूँ. अभी किसी भी पर्टिकुलर स्टडी सेशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, तो दिस इज़ द ओवरऑल व्यू कि आपको इस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें देखनी है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिस्क, रिस्क का सिंपल मतलब क्या है. तो वहाँ पर जब आपके पास चैप्टर आएगा इंट्रोडक्शन टू रिस्क, तो वहाँ पर आप देखेंगे वी हैव डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ द रिस्क जो अलग अलग एनालिस्ट ने दी है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने दी है. तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिस्क, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे. तो एक पूरा ओवरऑल व्यू मैं आपको दे रहा हूँ कि व्हाट इज़ रिस्क मैनेजमेंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, ERM बोलते हैं उसको. तो वहाँ पे कौन कौन से रिस्क है, वी हैव ऑपरेशनल रिस्क, वी हैव क्रेडिट रिस्क, वी हैव मार्केट रिस्क, वी हैव कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिस्क. तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ. ठीक है, तो देखिए इंट्रोडक्शन टू रिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहला पॉइंट आपके पास क्या है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क. कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क, तो पूरे नोट्स आपको बनाने हैं सर, बहुत अच्छे से पढ़ना है. और ईजिली मैं आपको यहाँ पर 60-70 वर्ष में पूरा सब्जेक्ट यहाँ पर बहुत अच्छे से कराने वाला हूँ, विद ऑल द केस स्टडीज, विद ऑल द ICA मटेरियल जो आज तक हमारे पास अवेलेबल है, जो भी ICA ने प्रोवाइड कराया है, एक एक पॉइंट मैं वहाँ पर कवर कराने वाला हूँ. अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू द रिस्क मैनेजमेंट की मैं क्यों ऑप्ट करूँ, FSCM क्यों ऑप्ट करूँ, या वहाँ पर आपको वहाँ पर कोई डाउट है रिलेटेड को कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए, तो आप मुझे वहाँ पर कॉल कर सकते हैं. मैं अवेलेबल होता हूँ 9 to 11 में. दिस इज़ ऑन 8860 17983 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं मुझे इसी नंबर पे. तो मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए, आपकी चॉइस क्या है. ठीक है, तो वो आपका पूरा समझ के कि आप किस तरह की चीज़ें करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप फ्यूचर में क्या करना बनना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्ट कर सकते हैं. या आपको इंटरनेशनल टैक्स ऑप्ट करना है तो वो मैं आपको क्लैरिटी दे सकता हूँ, या आपको इकोनॉमिक लॉ ऑप्ट करना है तो उसके लिए मैं आपको क्लैरिटी दे सकता हूँ. तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9 to 11 में इवनिंग मैं अवेलेबल होता हूँ फ़ोन पे, या आप मुझे इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं तो मैं आपको बता दूंगा कि वहाँ पर आपको क्या ऑप्ट करना चाहिए. ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ. ठीक है, चलिए आगे. तो सबसे पहला पॉइंट आपके पास क्या है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क. रिस्क इज रिलेटेड टू अनसर्टेनिटी. याद रखना रिस्क का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, अनसर्टेनिटी के साथ है, कि वहाँ पर कितनी अनसर्टेनिटी है. ठीक है, तो रिस्क का मतलब ऐसा नहीं है कि आप बैकफुट पे हैं, आपको अपने रिस्क को कम ही कम करना है. नहीं सर, वो दिस इज़ द पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. आप कितने रिस्क को कम करना चाहते हैं या आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, वो मैं कई बार डिस्कस कर चुका अपने SFM क्लासेस में भी, कि वहाँ पर दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं रिस्क टेकर और एक होते हैं रिस्क अवर्स. रिस्क टेकर क्या होते हैं, जो वहाँ पर अपने रिस्क को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, एंड रिस्क अवर्स जो अपने रिस्क को क्या करना चाहते हैं, मिनिमाइज. एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. वो किसका पार्ट है, रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है, कि मुझे रिस्क को बढ़ाना है या रिस्क को कम करना है.
टू गेट मोर गेंस, समझ पा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा गेंस लेने के लिए, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जनरेट करने के लिए मैं रिस्क को भी बढ़ाऊंगा। देख लीजिए, अगर मुझे रिटर्न बढ़ानी है, अगर मुझे रिटर्न को कम करनी है, तो रिस्क को भी क्या करूंगा, कम करूंगा। तो दिस इज डायरेक्टली लिंक टू द रिटर्न्स, वी हैव रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, कि जितना ज्यादा रिस्क बढ़ाओगे तो रिटर्न मिलने के चांसेस भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो रिस्क इज रिलेटेड टू द अनसर्टेनिटी, यहां पर उसका जो रिलेशन है वो किससे है, अनसर्टेनिटी है। दिस इज अबाउट द एंटिटीज फ्यूचर प्रॉफिट, समझ पा रहे हैं, उसके फ्यूचर प्रॉफिट कितने अनसर्टेन है, और दिस इज रिस्क, समझ पा रहे हैं, इन एन ऑर्गेनाइजेशन रिस्क का मतलब उसके फ्यूचर अनसर्टेन प्रॉफिट से है, कि वहां पर वो प्रॉफिट अर्न होंगे नहीं होंगे, और अगर मुझे वहां पर उसको सर्टेन करना है तो मुझे अपने रिस्क को क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, कि हम अपने रिस्क को क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, या रिस्क को क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। तो देखिए, व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क, रिस्क अराइजेस फ्रॉम द अनसर्टेनिटी, फ्रॉम द अनसर्टेनिटी regarding an entity's future, uncertainty regarding the entity's future profit and losses, ठीक है, कि वहां पर आपके पास फ्यूचर में कितना लॉस हो सकता है, या वहां पर अनसर्टेनिटी अबाउट द प्रॉफिट है, कि वो प्रॉफिट अर्न होंगे नहीं होंगे, एंड दिस इज रिलेटेड टू द रिस्क, समझ पा रहे हैं, वो किससे लिंक्ड है, रिस्क से रिलेटेड है। तो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग एन एंटिटीज फ्यूचर लॉसेस एज वेल एज फ्यूचर गेन्स। तो मैंने दोनों की बात की है यहां पर, कि दिस इज द अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द एंटिटीज फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है। तो फ्यूचर में प्रॉफिट अनसर्टेन है, या वहां पर फ्यूचर में लॉसेस क्या है, अनसर्टेन है, तो दिस इज अबाउट द रिस्क, समझ पा रहे, वो आपके पास क्या है, दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर क्या है आपके पास, तो इन ए सिंप्लीफाइड टर्म्स अगर मैं बात करूं, देयरफोर इन सिंप्लीफाइड there is a natural trade-off, ये मैं बात कर रहा था सर, there is a natural trade-off between the risk and return, there is the natural trade-off between the risk and return, क्यों है सर, जितना risk बढ़ाओगे उतना ही returns भी बढ़ने की probabilities क्या है, हाई है, समझ पा रहे हैं, तो वो आपके पास क्या है, दिस इज योर रिस्क, समझ पा रहे हैं, ये आपके पास क्या है, दिस इज अनसर्टेनिटी अबाउट योर प्रॉफिट एंड लॉसेस, फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस, दिस इज योर रिस्क, एंड वी हैव ए ट्रेड ऑफ, ट्रेड ऑफ मतलब हम कितना रिस्क बढ़ाएं, कितना रिटर्न बढ़ाना चाहते हैं, कितना वहां पर रिस्क को कम करके अपनी रिटर्न्स को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। तो एक हमारा कोर ऑब्जेक्टिव होता है, वी हैव टू मिनिमाइज द रिस्क एंड टू मैक्सिमाइज अवर रिटर्न्स। तो यहां पर हमें ट्रेड ऑफ ही करना होता है, कि हम वहां पर रिस्क एवर्स हैं या रिस्क टेकर हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस को क्या करेंगे, वहां पर मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज करेंगे, ठीक है। तो देखिए सर, आपके पास नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या है, रिस्क इज नॉट नेसेसरली रिलेटेड टू द साइज ऑफ potential losses. This is not necessarily related to the potential losses. समझ पा रहे हैं, तो रिस्क का खाली मतलब ऐसा नहीं है कि वो वहां पर लॉसेस के बारे में बात कर रहा है, साइज ऑफ लॉसेस के बारे में बात कर रहा है, इट नॉट नेसेसरी रिलेटेड टू द साइज ऑफ द पोटेंशियल लॉसेस। तो यहाँ पर मैं बड़े लॉसेस या छोटे लॉसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिंपल रिस्क की बात कर रहा हूँ, कि वहाँ पर मुझे कितना रिस्क है, ठीक है। तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स जिससे हम मेजर करेंगे, वहाँ पर वी हैव क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, वी हैव क्वालिटेटिव टेक्निक्स, वी हैव वॉर टेक्निक, वी हैव स्ट्रेस टेस्टिंग, वी हैव सिनेरियो एनालिसिस। तो उन सब के थ्रू मैं क्या करूँगा, अपने रिस्क को क्या करूँगा, एनालाइज करूँगा। दिस इज नॉट रिलेटेड टू द साइज ऑफ द पोटेंशियल लॉसेस, कि हमें कितना बड़ा लॉस हो सकता है, नहीं सर,
हम वहाँ पर लॉस हो सकता है छोटा लॉस हो सकता है वहाँ पर बहुत मिनिमम लॉस हो, बट हम उस रिस्क को भी क्या करके चलेंगे, एनालाइज करके चलेंगे, उस अनसर्टेनिटी को हम वहाँ पर पहले से ही क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे. तो दिस इज नॉट नेसेसरी रिलेटेड टू द साइज ऑफ द पोटेंशियल लॉसेस. एग्जाम्पल, तो कुछ पोटेंशियल लॉसेस क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, कुछ वहाँ पर पोटेंशियल लॉसेस क्या होते हैं, बड़े होते हैं. तो इवन मैं यहाँ छोटे से छोटे लॉस को, छोटे से छोटे रिस्क को क्या करके चलूँगा, एनालाइज करके चलूँगा, प्रिडिक्ट करके चलूँगा, एंड दिस इज अबाउट द प्रिडिक्शन. और मैंने पहले बताया था कि पूरे फाइनेंस में वी आर प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, और यहाँ पर हम रिस्क को क्या करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे. डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके हम रिस्क को क्या करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे, चाहे वो क्रेडिट रिस्क हो, चाहे वो ऑपरेशनल रिस्क हो. तो ऑडिट में भी तो आप क्या करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट ही तो करते हैं. वहाँ पर आप प्रिडिक्ट करते हैं कि वहाँ पर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क है, वहाँ पर जो रिपोर्टिंग हो रही है उसके अंदर क्या है, रिस्क है. तो दिस इज अबाउट द प्रिडिक्शन. यहाँ पर हम पूरी प्रिडिक्शन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपने रिस्क को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे. वी हैव सम रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स जिसको फॉलो करके हम रिस्क को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं. ठीक है, तो मैनी पोटेंशियल लॉसेस आर लार्ज. बहुत सारे लॉसेस क्या होते हैं, बड़े होते हैं, बट वो क्वाइट प्रिडिक्टेबल, समझ पा रहे हैं, दे आर वेरी प्रिडिक्टेबल. आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो पहले से ही, आप हिस्टोरिकल डेटा को यूज करके उसको क्या कर सकते हैं, पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे आपका, मैं कह सकता हूँ कि आपके बैड डेब्ट्स हैं, बैड डेब्ट्स को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं. तो हम पास डेटा एनालिसिस करेंगे कि ऑन एन एवरेज 5% हमारे बैड डेब्ट्स होते हैं, तो हम उसको क्वाइट प्रिडिक्टेबल. तो मैनी पोटेंशियल लॉसेज आर लार्ज बट आर क्वाइट प्रिडिक्टेबल. And can be reduced by, और उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं, वी आर टेकिंग सम रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स. हम फैक्टरिंग सर्विसेज ले सकते हैं, तो अलग अलग सर्विसेज को यूज करके हम उस रिस्क को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. तो डिफरेंट टेक्निक्स को फॉलो करेंगे. तो मैनी पोटेंशियल लॉसेज आर लार्ज बट आर क्वाइट प्रिडिक्टेबल एंड कैन बी रिड्यूस बाई यूजिंग द रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स. रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स, तो रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स को यूज करके हम उसको क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न इज द, अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न पता क्या है, वेरिएशन, वेरिएबिलिटी, फ्लक्चुएशंस, समझ पा रहे. तो जो सबसे बड़ा कंसर्न पता क्या है, फ्लक्चुएशन, कि वहां पर हमारा रिस्क कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है. तो दिस इज अबाउट द वेरिएबिलिटी ऑफ द रिस्क, समझ पा रहे हैं. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि आपका रिस्क कितना वेरिएट हो सकता है, वहां पर आपके जो लॉसेज है वो कितना वेरिएट हो सकते हैं, तो वहां पर रिस्क कितना वेरिएट हो सकता है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न इज द वेरिएशन ऑफ लॉस, वेरिएबिलिटी ऑफ लॉस. Variability of loss, especially a loss that could rise to unexpected high levels, or a loss that suddenly occurs that was not anticipated or the predictable, that are not anticipated. तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम पता क्या है, कि कोई लॉस बहुत जल्दी से एक्सपेक्टेड, वहां पर देख लीजिए रिस्क आपका बहुत तेजी से बढ़ सकता है. तो मान लो आपने कोई हेजिंग टेक्निक यूज़ की और उस हेजिंग टेक्निक में ही आपका लॉस क्या हो सकता है, बहुत हाई लेवल पे हो सकता है. तो हमें उसको पहले से ही वहाँ पर एनालाइज करना है. साथ में कुछ ऐसे लॉसेज हैं जो दीज आर अनप्रिडिक्टेबल,
एंड एंटिसिपेटेड, तो उनको भी वहां पर वो सडन इवेंट्स हैं जिसकी वजह से हमारा रिस्क क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, तो उसको भी किसी ना किसी लेवल तक हमें पहले से क्या करना होगा, प्रिडिक्ट करना होगा कि वहां पर हम स्ट्रेस टेस्टिंग के थ्रू, सिनेरियो एनालिसिस के थ्रू उसको पहले से ही क्या कर सकते हैं, डिफरेंट सिनेरियोज को पहले से ही एनालाइज कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द वेरिएबिलिटी ऑफ लॉसेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न इज द variability of losses, this is the important word, especially the loss that could rise to the unexpected high levels, बहुत high levels पे जा सकता है, और the loss that suddenly across that was an not anticipated, समझ पा रहे हैं, तो वो वहां पर देख लीजिए कर हो सकता है, that was not predictable, that was not anticipated, this is about the risk, this is the concept of risk, ठीक है सर। Now the next point जो हमें cover करना है, this is risk management, ठीक है। अब इस risk को क्या करना है, मैनेज करना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क मैनेजमेंट, तो जो सेकंड टर्म है यहां पर आपके पास, व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट, अब रिस्क मैनेजमेंट सिंपल टर्म्स में क्या है कि हमें वो वहां पर एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है जिससे हम अपने रिस्क को क्या कर सकें, मैनेज कर सकें, जो भी हमारी अनसर्टेनिटी है उसको वहां पर देख लीजिए हम क्या कर सकें, मैनेज कर सकें, वी विल कन्वर्ट अवर अनसर्टेनिटी इनटू द सर्टेनिटी, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी को वी विल कन्वर्ट इनटू द सर्टेनिटी, तो दीज आर द रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स जो हम यहां पर फॉलो करने वाले हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट का सिंपल मतलब क्या है कि दीज आर द सिक्वेंशियल एक्टिविटीज टू रिड्यूस अवर रिस्क, समझ पा रहे हैं, टू रिड्यूस अवर रिस्क, तो अपने रिस्क को कम करने के लिए वो कौन सी एक्टिविटीज हम वहां पर फॉलो करें, तो वो आपके पास क्या है, दिस इज योर रिस्क मैनेजमेंट। बट एक बात मैं यहां पर कहना चाहूंगा, दिस इज नॉट अबाउट द कि हम अपने रिस्क को सिर्फ कम करना चाहते हैं, ठीक है। एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि वी आर नॉट हियर टू ओनली रिड्यूस अवर रिस्क, ठीक है। इन द ऑर्गेनाइजेशन वी हैव टू डिसाइड हाउ मच अमाउंट ऑफ रिस्क वी हैव टू टेक टू अर्न द एस्टिमेटेड रिटर्न्स, टू अर्न द एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स, टू अर्न द डिजायर प्रॉफिट्स, ठीक है। एंड व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट, वी हैव टू डिसाइड कि हमें कितना रिस्क लेना है टू अर्न योर एस्टिमेटेड प्रॉफिट, टू अर्न योर प्रॉफिट्स, ठीक है। तो हम खुद डिसाइड करेंगे कि हमें कितना रिस्क लेना है, कितना प्रॉफिट कमाने के लिए कितना रिस्क लेना है, टू अर्न योर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स, ठीक है। तो दिस इज नॉट ओनली अबाउट द रिस्क मिनिमाइजेशन, दिस इज अबाउट हाउ मच अमाउंट यू हैव टू टेक द रिस्क टू अर्न द लेवल ऑफ प्रॉफिट्स, टू अर्न द लेवल ऑफ प्रॉफिट यू हैव टू डिजायर, ठीक है। तो देखिए सर, दिस इज रिस्क मैनेजमेंट, तो लिख लो सर, रिस्क मैनेजमेंट इंक्लूड्स, आर एम इंक्लूड्स the sequence of activities, the sequence of activities aim to reduce or eliminate, reduce or eliminate, reduce करने, कम करने के लिए या पूरी तरह से खत्म हो जाए, ठीक है। तो जैसे मैं इंश्योरेंस ले लेता हूं, तो इंश्योरेंस में वी हैव टू एलिमिनेट अवर रिस्क, ठीक है, फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। तो कोई भी अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, अगर आप वहां पर मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो उस केस में डेफिनेटली यू आर एलिमिनेटेड योर फाइनेंशियल रिस्क, अपने फाइनेंशियल रिस्क को क्या कर रहे हो, एलिमिनेट कर रहे हो, ठीक है, रिड्यूस कुछ लेवल तक कम कर रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर द टेक्निक्स, कुछ टेक्निक्स हम फॉलो करते हैं जिससे अपने रिस्क को किसी लेवल तक क्या कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं। वी हैव रिस्क रिडक्शन and the risk elimination, ठीक है। तो we have two words, risk reduction and risk elimination, दोनों में difference है। reduction मतलब थोड़ा कम कर रहे हैं, ठीक है, 10% 20%, तो this is in your hedging techniques, जब हम hedging techniques करते हैं, beta management हमने किया था, तो beta management में क्या कर रहे थे हम, अपने जो मान लो मेरा रिस्क था 1.5, मेरा बीटा था 1.5 और उसको मैं 1 लेके आ रहा था, तो मैं वहां पर रिस्क रिडक्शन कर रहा था, क्या कर रहा था, रिस्क रिडक्शन, अपने रिस्क को 1.5 से 1 लेके आ रहा था। बट अगर मैं बीटा 1.5 से 0 लेके आ रहा हूं, तो उसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, अपने रिस्क को एलिमिनेट कर रहा हूं, रिस्क को क्या कर रहा हूं, 0 कर रहा हूं, ठीक है। तो दिस इज रिस्क मैनेजमेंट इंक्लूड्स द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज एम टू रिड्यूस और एलिमिनेट एन एंटिटीज entities potential to incur expected losses,
तो वी हैव टू रिड्यूस और एलिमिनेट एन एंटिटीज पोटेंशियल टू इंकर एक्सपेक्टेड लॉसेस. तो उसको लॉसेस होने का जो चांस है हम उसको क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, दिस इज रिस्क रिडक्शन, या एलिमिनेट कर रहे हैं, तो दिस इज रिस्क एलिमिनेशन. इन मैनेजिंग, दिस द नेक्स्ट पॉइंट इन रिस्क मैनेजमेंट. तो दिस इज देन ओवरव्यू ओनली, ठीक है. इसके बारे में अभी हम इनडेप्थ पढ़ने वाले हैं सर, क्योंकि पूरे सब्जेक्ट का नाम ही क्या है, रिस्क मैनेजमेंट है. एक एक पॉइंट को हम अच्छे से वहां पर डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे, और तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि ओपन बुक है, ठीक है, हम लिखेंगे कम चीजों को, ज्यादा वहां से गो थ्रू करेंगे स्टडी मटेरियल से, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बट समझेंगे हम एक एक पॉइंट. और अगर मैं बात करूं, अगर आपको एफआरएम करना है तो बेसिक्स आपको यहां से सारे मिल जाएंगे, ठीक है. तो वहां पर आपके पास टेक्निक्स पे ज्यादा काम करना होगा, प्रैक्टिकल पॉइंट क्वांटिटेटिव टेक्निक्स वहां पर बहुत ज्यादा हैं, तो वो वाला पोर्शन आपको ज्यादा करना होगा. उसके अलावा जो बेसिक पार्ट है वो आपका पूरा यहां पर कवर हो जाएगा. मैं एक एक पॉइंट एफआरएम का जो लेवल वन का पॉइंट है वो मैं सारा यहां पर कवर करने वाला हूं, एक एक चीज मैं यहां पर कवर करूंगा. पूरा मैंने लेवल वन के जो आपका एफआरएम का लेवल वन का मटेरियल है उसी के लेवल पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है. तो वो देखिए सर, सेकेंड पॉइंट यहां पर, इन मैनेजिंग बोथ एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड लॉसेस. तो ये हमने देख ही लिया, वी हैव एक्सपेक्टेड लॉस, वी हैव अनएक्सपेक्टेड. एक्सपेक्टेड मुझे पता है कि ये लॉस हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड कोई भी मार्केट में चेंजेस आए और उसकी वजह से वहां पर आपको क्या हो सकते हैं, लॉसेज हो सकते हैं, दीज आर अनएक्सपेक्टेड लॉसेज, ठीक है. तो वहां पर ईरान इराक का, वहां पर देख लीजिए अमेरिका का, वहां पर वॉर हो रहा है, वर्ल्ड वॉर थ्री हो रहा है, तो दीज आर अनएक्सपेक्टेड लॉसेज, ठीक है. यू कॉन्ट प्रिडिक्ट ऑल दीज लॉसेज, तो वहां पर देख लीजिए दीज आर अनएक्सपेक्टेड लॉसेज. तो इन मैनेजिंग बोथ एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड लॉसेज, रिस्क मैनेजमेंट कैन बी थॉट ऑफ एज ए डिफेंसिव टेक्निक. डिफेंसिव टेक्निक का क्या मतलब है, कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ रिस्क को कम करना चाहूंगा, नहीं सर, ठीक है. तो यहां पर अगर मैं एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को डिस्कस कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि दिस इज ओनली ए डिफेंसिव टेक्निक, समझ पा रहे हैं, वो आपके पास डिफेंसिव टेक्निक है, नहीं सर. रिस्क मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू कि आप वहां पर कितना वहां पर अर्न करना चाहते हैं फॉर ए लेवल ऑफ रिस्क, समझ पा रहे हैं, इस लेवल ऑफ रिस्क पे आप कितना अर्न करना चाहते हैं. वी हैव टू डिसाइड इन एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, एंटरप्राइज पूरी एंटिटी ये डिसाइड करेगी हमें कितने लेवल का रिस्क लेना है टू अर्न दैट लेवल ऑफ प्रॉफिट्स, टू अर्न दैट लेवल ऑफ रिटर्न. तो वो वहां पर दिस इज रिस्क मैनेजमेंट. इसको क्या बोलते हैं, रिस्क मैनेजमेंट. जैसे मैंने आपको SFM में भी सिखाया था, अगर मैं वहां पर देख लीजिए अपनी रिटर्न्स बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे रिस्क को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा. तो मैं अपने बीटा को 1.5 से 1.8 करूंगा, जिससे मेरी रिटर्न्स भी क्या हो, बढ़े, मेरा रिस्क भी बढ़ेगा तो मेरी रिटर्न्स भी क्या होंगी, बढ़ेंगी. तो वी हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू अवर रिस्क एपेटाइट, मेरा रिस्क एपेटाइट कितना है, एबिलिटी टू टेक द रिस्क, वी हैव विलिंगनेस टू टेक द रिस्क, मेरा कितना रिस्क है वहां पर, रिस्क एपेटाइट कितना है, और उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए मैं वहां पर अपना रिस्क लूंगा और उसके अकॉर्डिंग मेरी क्या आएंगी, रिटर्न्स आएंगे. एंड दिस इज रिस्क मैनेजमेंट. ये आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है, हम खुद डिसाइड करेंगे मुझे कितने लेवल का रिस्क लेना है, एंड अकॉर्डिंगली वी विल अर्न द दैट लेवल ऑफ रिटर्न, ठीक है. तो देख लीजिए, इन मैनेजिंग बोथ एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड लॉसेज, रिस्क मैनेजमेंट कैन बी थॉट ऑफ द डिफेंसिव टेक्निक. But this is not only the defensive technique, dekh lijiye. However, risk management is actually broader in the sense that it considers how an entity can be consciously मतलब हम खुद अपने आप अपने होशोहवास में डिसाइड करेंगे हमें कितना रिस्क लेना है, एंड अकॉर्डिंगली हमारी क्या आएंगी, रिटर्न्स. तो हाउ एन एंटिटी कैन बी कॉन्शियसली डिटरमाइन
how much risk it is willing to take to earn future uncertain returns. तो अनसर्टेन तो हमेशा ही रहेंगी सर, तो वो कभी सर्टेन नहीं हो सकती. सर्टेन वो तब होंगी जब वो एक्चुअली में अर्न हो जाएंगी, ठीक है. अदरवाइज वो हमेशा क्या रहेंगी, अनसर्टेन, विच इन्वॉल्व्स रिस्क टेकिंग. समझ पा रहे हैं, रिस्क टेकिंग. तो वी हैव टू वर्ड्स, टू इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन रिस्क. वी हैव एबिलिटी टू टेक द रिस्क एंड वी हैव विलिंगनेस टू टेक द रिस्क. ठीक है, एबिलिटी, मेरा कितना एबिलिटी है, तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल्स. मेरे क्या फाइनेंशियल्स हैं, मेरी क्या नेटवर्थ है, तो मैं वहाँ पर देखूंगा एज ए रिस्क मैनेजर कि वहाँ पर आपका एबिलिटी टू टेक द रिस्क कितना है. ठीक है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं. ठीक है, सेकेंड वन, दिस इज विलिंगनेस टू टेक द रिस्क. आप कितना वहाँ पर चाहते हैं रिस्क लेना, दिस इज विलिंगनेस टू टेक द रिस्क. तो एज ए रिस्क मैनेजर वी हैव टू डिसाइड द टू थिंग्स. द फर्स्ट वन इज एबिलिटी टू टेक द रिस्क एंड द सेकेंड वन इज विलिंगनेस टू टेक द रिस्क. ठीक है, तो ये आपके पास देख लीजिए दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. ठीक है, द फर्स्ट वन इज एबिलिटी टू टेक द रिस्क एंड द सेकंड वन इज विलिंगनेस टू टेक द रिस्क. तो इस पे लिख लीजिए रिस्क टेकिंग. व्हाट इज रिस्क टेकिंग? इट रेफर्स स्पेसिफिकली to the active assumption of incremental risk. What is risk taking? कि मैं इतना risk बढ़ाऊंगा तो मुझे कितना extra क्या मिलेगी, return मिलेगी. And this is about the ability to take the risk. And साथ में आपके पास क्या है, this is willingness to take the risk. तो what is risk taking? This is specifically to the active assumption of incremental risk in order to generate incremental gains, in order to generate incremental gains. ठीक है, तो वहां पर देख लीजिए हम कितना रिस्क बढ़ाएं जिससे मुझे क्या मिले, कितना इंक्रीमेंटल क्या मिले, गेन मिले. तो दिस इज अबाउट द रिस्क टेकिंग, दिस इज अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट. दिस इज नॉट सिंपली अबाउट द वी हैव टू मिनिमाइज द रिस्क, वी हैव ए बैकफुट साइड. बैक समझ पा रहे, बैकफुट का क्या मतलब है, हम हमेशा बचते रहें. नहीं सर, हम एग्रेसिव हो सकते हैं. मुझे लग रहा है कि वहाँ पर प्रॉफिट पोटेंशियल्स हैं, प्रॉफिट कमाने की अपॉर्चुनिटीज हैं, तो वी हैव टू इंक्रीज अवर रिस्क लेवल. हम अपने रिस्क लेवल्स को थोड़ा बढ़ाएंगे और उससे प्रॉफिट क्या करेंगे, जनरेट करेंगे. तो इट डिपेंड्स योर एबिलिटी टू टेक द रिस्क एंड विलिंगनेस टू टेक द रिस्क. अब देखिए नेक्स्ट जो यहां पर है आपके पास, दिस इज योर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस और द प्रोसीजर. क्या प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो करेंगे, या हम फ्रेमवर्क की बात कर सकते हैं. व्हाट इज़ द रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क? तो देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पर थर्ड पॉइंट आपके पास है, दिस इज योर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस. अब देखो यहाँ पर सिंपल तीन चार स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं. सबसे पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई द रिस्क. समझ पा रहे हैं, हमें रिस्क को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि वहां पर वो ऑपरेशनल रिस्क है, वो वहां पर स्ट्रेटजी रिस्क है, या वो मार्केट रिस्क है, या वो क्रेडिट रिस्क है. समझ पा रहे हैं, या कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिस्क है. तो वो वहां पर सबसे पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई द रिस्क कि वहां पर आपके पास कौन कौन से रिस्क है. ठीक है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको देखना पड़ेगा. तो ये आपके पास केस स्टडी बन के भी आ सकता है. तो दे आर गिविंग यू द डिफरेंट केसेस और पूछेंगे आपसे कि वहां पर कौन कौन से रिस्क हैं. ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये आपका बन सकता है वहां पर केस स्टडी में कि आइडेंटिफाई द रिस्क, कि आपको वहां पर कौन कौन से रिस्क हैं आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. ठीक है, सिंपल टर्म्स पहले समझ लेते हैं फिर लिख लेंगे उसको. फिर नेक्स्ट वी हैव टू क्वांटिफाई, मुझे उसको क्वांटिफाई करना पड़ेगा कि मुझे कितने अमाउंट का रिस्क है. तो आपको खाली ये कहने से वहां पर नहीं चलेगा कि मुझे रिस्क है, मुझे रिस्क है. यू हैव टू आइडेंटिफाई
यू हैव टू क्वांटिफाई, समझ पा रहे हैं? मुझे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा रिस्क है और फिर उसको मुझे क्वांटिफाई करना पड़ेगा, वहां पर अमाउंट में कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मुझे कितने अमाउंट का रिस्क है, मेरा कितना वहां पर रिस्क एक्सपोजर है, क्या है रिस्क एक्सपोजर, जैसे हम कैलकुलेट करते थे अपने डेरिवेटिव्स में, ठीक है, कि वहां पर मेरा कितना पोर्टफोलियो है, 100 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो व्हाट इज योर रिस्क एक्सपोजर, वी हैव ए 100 करोड़ पोर्टफोलियो तो वहां पर मेरे पास कितना रिस्क है, 100 करोड़ का रिस्क है, ठीक है, तो वो वहां पर आपके पास वी हैव टू क्वांटिफाई द रिस्क, कि आपको क्वांटिफाई करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम इस रिस्क को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, उस रिस्क को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वी हैव डिफरेंट मेथड्स, मैं इंश्योरेंस करा सकता हूँ, वी हैव डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स जिससे हम उस रिस्क को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर, वी हैव टू आइडेंटिफाई ऑल द मेथड जिससे हम अपने रिस्क को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, साथ में अब मुझे क्या देखना पड़ेगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, क्या देखना पड़ेगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है कि अगर मैं रिस्क को कम कर रहा हूँ या ज़्यादा कर रहा हूँ, जो भी मैं वहाँ पर टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ उसको करने की कॉस्ट कितनी है और उससे मुझे कितना बेनिफिट मिलेगा, वो पूरा एनालाइज आपको करना पड़ेगा, वो पूरा एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, एंड दिस इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि पूरा हम देखेंगे कि वहाँ पर कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व है उस रिस्क मिटिगेशन के लिए या रिस्क वहाँ पर देख लीजिए रिडक्शन के लिए और उसके कितने बेनिफिट हमें अराइज होंगे, तो इन दिस स्टेप वी हैव टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है, तो वो हम वहाँ पर कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करेंगे, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे वहाँ पर देख लीजिए, जो भी आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं उसको एग्जीक्यूट करेंगे, जो भी हमने मेथड्स की बात की है, इंश्योरेंस है, डेरिवेटिव है, उसको एग्जीक्यूट करेंगे और लास्ट में उसको क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, क्या करेंगे, रिव्यू, तो सबसे पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई, नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव टू क्वांटिफाई, क्वांटिफाई करेंगे, साथ में देखेंगे कौन से मेथड्स हैं, उसके बाद उनका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे, फिर वहाँ पर उसको एग्जीक्यूट करेंगे कि मुझे मिटिगेट करना है, मुझे अवॉइड करना है रिस्क को, तो वी हैव टू डिसाइड ना क्या मुझे करना है एग्जैक्टली, और फाइनली उसको क्या करेंगे, वापस रिव्यू करेंगे, ठीक है, तो देखेंगे कि वहाँ पर एक्सेस हेज तो नहीं हो गया है या वहाँ पर देख लीजिए कम हेज तो नहीं हो गया है, तो वी हैव टू रिव्यू अवर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है, तो एक बार इसको लिख लेते हैं फिर और डिस्कस करते हैं। देखिए सर, स्टेप नंबर वन, सबसे पहले स्टेप नंबर वन में वी हैव टू आइडेंटिफाई द रिस्क, तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क, 7-8 types के रिस्क यहां पर हम डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ी देर में यहां पर डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क, वी हैव मार्केट रिस्क, वी हैव ऑपरेशनल रिस्क, वी हैव क्रेडिट रिस्क, वी हैव आपके पास कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिस्क, वी हैव स्ट्रेटेजिक रिस्क, तो अलग अलग तरह के रिस्क आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, वी हैव टू आइडेंटिफाई द रिस्क, स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू में वी हैव टू क्वांटिफाई एंड एस्टिमेट द रिस्क एक्सपोजर, क्वांटिफाई एंड एस्टिमेट द रिस्क एक्सपोजर, कि हम कितना रिस्क है वहां पर क्वांटिफाई करेंगे और व्हाट इज अवर रिस्क एक्सपोजर अंडर द एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। याद रखना व्हाट इज एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, तो मैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को क्या करूंगा, कंसोलिडेट करूंगा, उनके रिस्क को क्या करूंगा, कंसोलिडेट करूंगा और देखूंगा व्हाट इज अवर नेट इफेक्ट, ठीक है, तो मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट में देख लिया कि वहां पर कितना कितना रिस्क है और सबको क्या करेंगे, नेट ऑफ करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, हो सकता है कहीं जगह आप वहाँ पर स्ट्रैटेजी लगा रहे हो लॉन्ग के लिए, कहीं जगह आप स्ट्रैटेजी लगा रहे हो शॉर्ट के लिए, वो लॉन्ग के लिए हेज कर रहा है, वो शॉर्ट के लिए हेज कर रहा है, तो टेक्निकली वहाँ नेचुरल हेज है, एक डिपार्टमेंट लॉन्ग कर रहा है, एक डिपार्टमेंट शॉर्ट कर रहा है, तो वहाँ पर देख लीजिए नेचुरल हेज ऑलरेडी है, बट वो लॉन्ग वाला अलग अपना स्ट्रैटेजी ले रहा है, शॉर्ट वाला अपना हेजिंग स्ट्रैटेजी ले रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, वहाँ पर जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, उसकी हेजिंग कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो वी आर डूइंग द एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, और यहाँ पर हमें यही समझना है पूरे रिस्क मैनेजमेंट में, वी हैव ERM सिस्टम, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, पूरे एंटरप्राइज को लेके चलेंगे, एक डिपार्टमेंट वाइज रिस्क मैनेज नहीं करेंगे, पूरे एंटरप्राइज का, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, तो वी हैव टू क्वांटिफाई एंड एस्टिमेट द रिस्क एक्सपोजर्स एंड डिटरमाइन द कलेक्टिव इफेक्ट, कलेक्टिव इफेक्ट्स ऑफ द रिस्क एक्सपोजर,
तो व्हाट इज द कलेक्टिव इफेक्ट, दिस इज ERM, इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है सर, तो यहाँ पर हमें सेकेंड स्टेप में क्वांटिफाई करना है, एस्टिमेट करना है रिस्क एक्सपोजर को, साथ में कलेक्टिव इफेक्ट देखना है कि व्हाट इज द कलेक्टिव इफेक्ट ऑफ द रिस्क एक्सपोजर। नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज योर स्टेप नंबर 3। अब यहां पर क्या करना है देख लीजिए, स्टेप नंबर 3 में वी हैव टू डिटरमाइन एप्रोप्रिएट मेथड मेथड्स, डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट मेथड्स टू ट्रांसफर द रिस्क। तो व्हाट आर द एप्रोप्रिएट मेथड्स, हमारे पास इंश्योरेंस है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स है, तो हमें देखना पड़ेगा कौन कौन से एप्रोप्रिएट मेथड हैं जिससे हम रिस्क को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं एंड परफॉर्म द कॉज बेनिफिट एनालिसिस, और साथ में देखेंगे कि किस मेथड का कितना कॉस्ट है, उससे कितना बेनिफिट है। तो वी हैव टू डू द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑन रिस्क ट्रांसफर मेथड्स। रिस्क ट्रांसफर मेथड्स, ठीक है, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा ऑन द रिस्क ट्रांसफर मेथड्स। रिस्क ट्रांसफर के कौन से मेथड्स हैं पहले वो देखा और फिर देखा उनका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4। अब मुझे क्या करना है, वी हैव टू डेवलप ए रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी। अब कर देंगे सर, वी हैव टू डेवलप ए रिस्क मिटिगेशन और द रिस्क अवॉइडेंस और द रिस्क ट्रांसफर, ट्रांसफर लिख लीजिए सर, और वी हैव टू एज्यूम रिस्क। तो हम वहां पर एक देख लीजिए, रिस्क मिटिगेशन रिस्क को खत्म करने के लिए, रिस्क अवॉइडेंस रिस्क को अवॉइड करने के लिए, और द रिस्क ट्रांसफर और द एज्यूम रिस्क, मैं रिस्क लेना चाहता हूं वहां पर। ठीक है, तो वी हैव टू डेवलप ए रिस्क मिटिगेशन, रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क ट्रांसफर और एज्यूम रिस्क स्ट्रेटजी रिस्क स्ट्रेटजी। ठीक है, तो यहां पर हम क्या ले लेंगे, ये स्ट्रेटजी हम फॉलो करेंगे। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज योर स्टेप्स अंडर द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। तो वो हम वहां पर देख लीजिए पूरा सिस्टम डेवलप कर देंगे, और लास्ट एक फाइनल स्टेप आपके पास क्या है, रिव्यू द पॉलिसी। तो पूरी पॉलिसी को क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। स्टेप नंबर 5 में लिखो सर, फाइनल स्टेप में असेस परफॉर्मेंस, वी हैव टू असेस द परफॉर्मेंस। एंड अमेंड रिस्क मिटिगेशन एंड अमेंड रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी एज नीडेड। और हम देखेंगे कि वहां पर अपनी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे कि किस तरह से हमारी हेजिंग स्ट्रेटजी काम कर रही है, किस तरह से हमारे डेरिवेटिव्स, वहां पर जो हेजिंग के लिए हमने डेरिवेटिव्स यूज किए थे या जो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं वो किस तरह से काम कर रही है। वी हैव टू असेस द परफॉर्मेंस एंड अमेंड द रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी एज नीडेड। तो वी हैव टू रिव्यू द सिस्टम, पूरा सिस्टम रिव्यू करेंगे और जो भी चेंजेस की रिक्वायरमेंट है उसको चेंजेस करके क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। दिस इज योर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, ये आपके पास क्या आ गया, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। तो ये पूरा पार्ट था आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का। अब यहाँ पर कुछ मेजरिंग एंड मैनेजिंग द रिस्क, तो मेरे पास दो तरह के वहाँ पर मेथड्स हैं, वी हैव क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स, तो उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो लिखो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, दिस इज योर फोर्थ पॉइंट, मेजरिंग एंड
मैनेजिंग रिस्क, रिस्क मेजर करने के लिए या मैनेज करने के लिए वी हैव क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड द फर्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव एंड द सेकंड वन इज क्वालिटेटिव मेथड्स. तो वी हैव क्वांटिटेटिव, मेजर्स और द मेथड्स एंड द सेकेंड वन इज योर क्वालिटेटिव. तो क्वान्टिटेटिव में वी आर यूजिंग वार, वैल्यू एट रिस्क, एंड इन क्वालिटेटिव वी आर यूजिंग द सिनेरियो एनालिसिस एंड द स्ट्रेस टेस्टिंग. ठीक है, तो वो एक बार छोटा छोटा हम डिस्कस कर लेते हैं. वैसे वो आगे जाके पूरा आपके पास बहुत अच्छे से पूरा चैप्टर है इन सब पे, तो वहाँ पर हम कवर करेंगे, बट उसके बारे में एक बेसिक हम जान लेते हैं. तो क्योंकि ये पूरा इंट्रोडक्शन है, आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बता रहे हैं, उनकी टर्म्स के बारे में बता रहे हैं, पूरे प्रोसेस के बारे में हम बता रहे हैं. तो देखिए सर, क्वांटिटेटिव मेजर्स, और वहां पर सबसे पहले आपके पास क्या है, वॉर. व्हाट इज वॉर? दिस इज वैल्यू एट रिस्क, समझ पा रहे हैं? दिस इज वैल्यू एट व्हाट इज वैल्यू एट रिस्क. दिस इज सिंपली वैल्यू टर्म्स में हम कैलकुलेट कर रहे हैं रिस्क को. तो जो भी हमारा एक्सपोजर है उसको वैल्यू टर्म्स में कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट वैल्यू एट रिस्क. तो हर कोई कह रहा है रिस्क है हमें, रिस्क है हमें, बट एग्जैक्टली कितने अमाउंट का रिस्क है वो हम किसके थ्रू कैलकुलेट कर रहे हैं. दिस इज योर क्वांटिटेटिव मेथड, क्वांटिटी टर्म्स में, वैल्यू टर्म्स में हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड दिस इज वैल्यू एट रिस्क. तो दिस इज वैल्यू एट रिस्क ए स्टेट्स ए, वैल्यू एट रिस्क स्टेट्स ए सर्टेन लॉस अमाउंट. तो वी हैव टू कैलकुलेट ए सर्टेन लॉस अमाउंट एंड इट्स प्रोबेबिलिटी, एट इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग, इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग. तो ये मेथड आपको एग्जैक्टली बता रहा है व्हाट इज स्टेट्स इज सर्टेन लॉस अमाउंट एंड इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग. समझ पा रहे हैं कि हमें कितनी प्रोबेबिलिटी है उसके अकरिंग की, वो बता रहा है, और एक सर्टेन अमाउंट हमें बता रहा है, एंड दिस इज योर वैल्यू एट रिस्क. एक एग्जाम्पल के फॉर्म में आप लिख लो, ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन may have a one day war, may have a one day war. समझ पा रहे हैं उनका एक दिन का वॉर क्या है. This is of $2.5 million at the 95% confidence level. ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हैव ए वन डे वॉर, उनका एक दिन का वॉर कितना है, 2.5 million. दिस इज एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल. तो वी हैव 90% कॉन्फिडेंस लेवल, 95%, 99%. तो वी हैव डिफरेंट पैरामीटर्स जिसके थ्रू हम बता रहे हैं कि वहाँ पर प्रोबेबिलिटी लेवल्स क्या हैं, उस लॉस की अक्रेंस की प्रोबेबिलिटीज क्या हैं. तो ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हैव ए वन डे वॉर ऑफ 2.5 million एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल. What does it mean, sir? इसका मतलब क्या है सर, वो हमें बताना है. तो this will be interpreted as, this would be interpreted as having a 5% chance. तो 95% confidence level का क्या मतलब है, वहां पर 5% क्या है, चांस है. तो जो डिफरेंस, जो आपके पास बैलेंस बचा वो क्या है, 5%. तो दिस वुड बी इंटरप्रेटेड एज 5% चांस दैट देयर विल बी लॉस ग्रेटर देन 2.5 million ऑन एनी गिवन डे. एक पर्टिकुलर दिन में आपको, देख लीजिए, देयर विल बी ए लॉस
greater than 2.5 million on any given day, कि वहां पर आपका लॉस कितना हो सकता है, 2.5 मिलियन या उससे ज्यादा हो सकता है एक पर्टिकुलर दिन में. दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ 95% कॉन्फिडेंस लेवल. तो दिस इज गिवन बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5% दैट, दिस इज द 5% प्रोबेबिलिटी दैट अवर लॉस विल बी, देयर विल बी लॉस ग्रेटर देन 2.5 मिलियन डॉलर्स. ठीक है, कितने दिन में, ए पर्टिकुलर दिन में. तो वहां पर हम किसके साथ बता रहे हैं, टाइम के साथ बता रहे हैं, समझ पा रहे हैं. तो जो भी हम वहां पर वॉर बता रहे हैं वो किसके साथ बता रहे हैं, टाइम के साथ. दिस इज वन डे वॉर, 10 डेज वॉर, 25 डेज वॉर, वीकली वॉर, मंथली वॉर, एनुअल वॉर. तो वो हम वहां पर टाइम के साथ उसको बता रहे हैं, अमाउंट में बता रहे हैं, और साथ में क्या बता रहे हैं, प्रोबेबिलिटी लेवल के साथ बता रहे हैं. तो 95% कॉन्फिडेंस लेवल है, तो 5% क्या है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस है. ठीक है, इफ यू हैव 99% कॉन्फिडेंस लेवल तो 1% प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस. ठीक है, तो इसकी पूरी इंटरप्रिटेशन हम डिस्कस करेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 95% कॉन्फिडेंस लेवल, कि हम कह सकते हैं कि 95% वी आर कॉन्फिडेंट दैट कि लॉस आपका 2.5 मिलियन हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, उससे कम हो सकता है, बट उससे ज्यादा नहीं हो सकता है. वी आर कॉन्फिडेंट दैट द लॉस, एक्सपेक्टेड लॉस विल बी 2.5 मिलियन और लेस. ठीक है, तो वो अलग अलग इंटरप्रिटेशन हम वार की डिस्कस करेंगे इन योर चैप्टर. दिस इज योर रिस्क मॉडल्स, वहां पर हम पूरा डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉर, हाउ टू कैलकुलेट वॉर, उसमें कौन कौन से मेथड्स हैं, किस किस तरह से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो वो पूरा डिस्कशन वहां पर हम करेंगे, बट अभी सिंपल टर्म हम उसको समझ रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉर. नाउ द नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आपका क्या था, क्वांटिटेटिव मेथड. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज योर क्वालिटेटिव मेथड. सेकेंड पॉइंट इज योर क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव मेजर्स या असेसमेंट, क्वालिटी टर्म्स में देख रहे हैं. और यहां पर पहला जो आप डिस्कस करेंगे, दिस इज योर सिनेरियो एनालिसिस. तो एक चीज और यहां पर ध्यान रखना कि जो हम सीए इंटर में आज के टाइम में आ गया, दिस इज योर रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, वो भी यहां पर इसका पार्ट बनेगा. ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट बनेगा. पहले वो सीए फाइनल के ओल्ड कोर्स में था, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग. अब वो वहां पर देख लीजिए सीए इंटर के कोर्स में पहुंच गया, एफएम के कोर्स में पहुंच गया, वो किसका पार्ट बनेगा, रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट भी बनेगा. तो वहां पर हमने सिनेरियो एनालिसिस, सेंसिटिविटी एनालिसिस, वो सब चीजें डिस्कस की थी, वो कहीं ना कहीं इसका पार्ट बनेगा. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच हमने डिस्कस किया था, वो भी इस रिस्क मैनेजमेंट के कंटेंट का पार्ट बनेगा, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. ठीक है, तो ये आपके पास देख लीजिए क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं, एंड वी हैव फर्स्ट वन इज योर सिनेरियो एनालिसिस. अब सबसे पहले सिनेरियो एनालिसिस को समझ लेते हैं, व्हाट इज सिनेरियो एनालिसिस. अब हम देखेंगे कि वहां पर आपके पास डिफरेंट सिनेरियोज में हमारे लॉस क्या हो सकते हैं. ठीक है, अगर इकोनॉमी वर्स परफॉर्म करे तो हमारे क्या लॉसेस हो सकते हैं. अगर वहां पर इकोनॉमी वहां पर बूम पे हो, इकोनॉमी वहां पर बेस्ट वहां पर देख लीजिए परफॉर्म करे, तो उस केस में व्हाट इज अवर लॉसेस. और अगर वहां पर स्टेग्नेंट रहे इकोनॉमी, तो व्हाट इज अवर लॉसेस. तो वी आर डूइंग द सिनेरियो एनालिसिस, अलग अलग सिनेरियोज को हम एनालाइज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि वहां पर हमारे कितने लॉस हो सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज योर सिनेरियो एनालिसिस. वी हैव बेस्ट केस एनालिसिस, वी हैव वर्स केस एनालिसिस, वी हैव मीडियम या वहां पर मिड केस एनालिसिस. ठीक है, या नॉर्मल केस एनालिसिस और द स्टेग्नेंट केस एनालिसिस. तो देख लीजिए सिनेरियो एनालिसिस में द टेक्स इनटू अकाउंट पोटेंशियल रिस्क फैक्टर्स. इट टेक्स इनटू अकाउंट द पोटेंशियल रिस्क फैक्टर्स विद uncertainties. We have worst case scenario, this is related to the uncertainty, और जो भी हम risk management में कर रहे हैं, this is related to the uncertainties. तो जो भी हमारे पास, we have potential risk factors with uncertainties, that are often non-quantifiable. हाईलाइट कर लेना इस वर्ड को,
मेनली वो नॉन क्वांटिफिएबल होते हैं, उनको हम इजिली वहाँ पर क्वांटिटी टर्म्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, वैल्यू टर्म्स में इजिली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. तो दीज आर टेक्स इन टू अकाउंट द पोटेंशियल रिस्क फैक्टर्स विद अनसर्टेनिटीज दैट आर ऑफन नॉन क्वांटिफिएबल. कि वहाँ पर वर्स्ट केस में GDP विल परफॉर्म 4%, 5%, तो वी आर टेकिंग डिफरेंट केसेज, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%. हर केस में हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि वहाँ पर हमारे कितने पोटेंशियल लॉस हो सकते हैं. तो हो सकता है कि वहाँ पर पूरा वैल्यू टर्म्स में कैलकुलेट ना कर पाओ, तो बट फिर भी हम वहाँ पर देखेंगे कि किन किन सिनेरियोज में हमारे लिए बेनिफिट है, किन सिनेरियोज में हमारे लिए बेनिफिट नहीं है. तो वो पूरा हम कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर किन किन सिनेरियोज में हमें वहाँ पर कितना कितना क्या है लॉस हो सकता है. ठीक है, तो देख लीजिए. वन ऑप्शन इज टू कंसिडर एन एडवर्स सिनेरियो या वर्स्ट सिनेरियो और वर्स्ट केस सिनेरियो. Analysis to get an idea of the full magnitude magnitude of potential losses, even if they have a very small chance of occurring. तो हम यहां पर क्या है, सिमुलेशन की तरह काम करेंगे. हम सिमुलेट करेंगे अलग अलग सिनेरियोज को. हम वहाँ पर देखेंगे कि आपके क्या क्या डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं. वी आर डूइंग द वर्स्ट केस सिनेरियो एनालिसिस और द, देख लीजिए, वर्स्ट केस सिनेरियो एनालिसिस और द एडवर्स सिनेरियो एनालिसिस. तो हम हर तरह से देखेंगे कि वहाँ पर आपके कितने पोटेंशियल लॉसेज हो सकते हैं. इवन वहाँ पर उसके होने का चांस बहुत क्या है, प्रोबेबिलिटीज़ क्या है, बहुत लो हैं. ठीक है, तब भी हम डिफरेंट सिनेरियोज में उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे. और यही वर्ड मैंने लिखवाए हैं आपको. एंड ऑप्शन इज टू कंसीडर एन एडवर्स सिनेरियो और द वर्स्ट केस सिनेरियो एनालिसिस टू गेट एन आइडिया ऑफ द फुल मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल लॉसेस इवन दे हैव ए वेरी लिटिल चांस ऑफ अकरिंग. एंड दिस इज योर सिनेरियो एनालिसिस. समझ पा रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं मार्केट में, सिनेरियो एनालिसिस. और ये पॉइंट आपने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. दिस इज इन योर CA फाइनल्स. इन योर ओल्ड कोर्स वी हैव वर्स्ट केस सिनेरियो, बेस्ट केस सिनेरियो, वी हैव मीडियम केस सिनेरियोज. तो सिनेरियो एनालिसिस हमने पहले भी डिस्कस किया है इन योर कैपिटल बजटिंग. तो वही यहाँ पर इसी तरह की टेक्निक्स आपको पास आएंगी और उसको किस तरह से परफॉर्म करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इन योर रिस्क मॉडल्स. ठीक है, साथ में लिख लीजिए, वर्स्ट केस सिनेरियो एनालिसिस involves examining the effects of possible. अब वही देखेंगे सर कि अगर इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया तो उस केस में हमारे पास कितना, देख लीजिए क्या आएगा, लॉस आएगा. तो हम देख लीजिए अलग अलग सिनेरियोज को कंसिडर करेंगे. अगर GDP ग्रोथ रेट इज 4%, इफ दिस इज 8%, दिस इज 12%, तो हर सिनेरियो को हम एनालाइज करेंगे. तो वर्स्ट केस सिनेरियो एनालिसिस इन्वॉल्व्स द एग्जामिंग द इफेक्ट्स ऑफ पॉसिबल मैक्रो इकोनॉमिक. वी आर कंसिडरिंग द मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, ऑल मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियोज ऑन द एंटिटी and within its various divisions. तो worst case scenarios में we are considering all the macroeconomic factors और देखेंगे कि उसका entity पे या उसके various divisions पे क्या impact होगा. On the various divisions often taken
into account several categories of risk. और हम सब कैटेगरीज ऑफ रिस्क को देखेंगे, मार्केट रिस्क कितना है, उन सब फैक्टर्स से ऑपरेशनल रिस्क कितना है, स्ट्रेटजी रिस्क कितना है, रेपुटेशनल रिस्क कितना है, तो वो सब चीज़ों को हम कंसिडर करेंगे कंसिडरिंग ऑल द डिफरेंट सिनेरियोज ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि उसके वेरियस डिपार्टमेंट पे, उस एंटिटी पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा, एंड दिस इज योर सिनेरियो एनालिसिस. नाउ द बी पॉइंट इज स्ट्रेस टेस्टिंग. अब जो स्ट्रेस टेस्टिंग है वो सिनेरियो एनालिसिस की तरह ही है सर. तो पहले समझ लेते हैं, सिनेरियो एनालिसिस में वी आर कंसिडरिंग ऑल द डिफरेंट सिनेरियोस. स्ट्रेस टेस्टिंग भी उसी तरह का सिनेरियो एनालिसिस ही है. यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि अगर मैं वहाँ पर किसी एक फैक्टर को फुल स्ट्रेस दूँ, मतलब मान लो इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज टू 15%, अगर वो 15% हो जाए, वॉट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द एंटिटी ऑफ 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, तो स्ट्रेस टेस्टिंग में हम स्ट्रेस देंगे वहां पर ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को वहां पर स्ट्रेस देंगे फॉर द डिफरेंट पैरामीटर्स. मान लो इंटरेस्ट रेट अगर 15% हो जाए तो व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दैट 15% इंटरेस्ट रेट ऑन द कंपनी. समझ पा रहे हैं, कंपनी के उस पे ऊपर क्या आउटपुट होगा, क्या इंपैक्ट होगा, क्या आउटकम होगा अगर इंटरेस्ट रेट 15% हो जाए. अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक लेवल पे पहुंच जाए, एक हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाए, तो इस स्ट्रेस का कंपनी के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, दिस इज स्ट्रेस टेस्टिंग. समझ पा रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं मार्केट में, स्ट्रेस टेस्टिंग. ठीक है, तो हम देखेंगे अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट विल इंक्रीज टू 10%, तो व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन अवर ऑर्गेनाइजेशन. इफ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स विल चेंज अप टू द एक्सट्रीम लेवल, तो उस केस में वहां पर व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन दिस स्ट्रेस ऑन अवर ऑर्गेनाइजेशन, एंड दिस इज योर स्ट्रेस टेस्टिंग. ठीक है, तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज वेरी हाई, अगर लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, तो व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन अवर ऑर्गेनाइजेशन, तो हम वहां पर क्या करेंगे, स्ट्रेस टेस्टिंग करेंगे. समझ पा रहे हैं, स्ट्रेस टेस्टिंग, एंड दिस इज ए काइंड ऑफ सिनेरियो एनालिसिस. ये भी किसका पार्ट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ टेक्निकली सिनेरियो एनालिसिस. तो लिख लो सर, स्ट्रेस टेस्टिंग इज ए फॉर्म ऑफ is a form of scenario analysis stress testing is a form of scenario analysis that examines a financial outcome based on a given stress, based on the given stress on the entity. तो वो कोई भी वहां पर पॉइंट हो सकता है, कॉस्ट से रिलेटेड हो सकता है, इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड हो सकता है, एक्सचेंज रेट से रिलेटेड हो सकता है. तो अगर आज के टाइम में इंडिया का जो एक्सचेंज रेट चल रहा है विद द यूएस डॉलर इज $1 इज इक्वल टू 71.72, अगर वो 80 हो जाए, 85 हो जाए, तो व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन अवर ऑर्गेनाइजेशन, ऑन अवर एंटिटी, एंड दिस इज योर स्ट्रेस टेस्टिंग. उसको मार्केट में क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेस टेस्टिंग. तो अगर मैं उसको स्ट्रेस दूं, तो व्हाट विल बी द आउटकम. समझ पा रहे हैं, व्हाट विल बी द आउटकम. तो दिस इज स्ट्रेस टेस्टिंग इज अ फॉर्म ऑफ सिनेरियो एनालिसिस दैट एग्जामिन्स ए फाइनेंशियल आउटकम बेस्ड ऑन द गिवन स्ट्रेस ऑन द एंटिटी. एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आपके पास क्या है, it is acceptable for interest rates or exchange rates or unemployment rates to rise severely in an economic crisis
तो हम देखेंगे, मान लो आपके जो क्रूड ऑयल का प्राइसेस है वो $65 से $75, $80, $100 हो जाए, तो व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन अवर एंटिटी. तो इट इज एक्सेप्टेबल फॉर द इंटरेस्ट रेट्स, एक्सचेंज रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, क्रूड ऑयल प्राइसेस, कुछ भी कह सकते हैं, टू राइज सीवियरली इन एन इकोनॉमिक क्राइसिस एंड स्ट्रेस टेस्टिंग अटेम्प्ट्स टू एग्जामिन सच क्राइसिस सिचुएशन टू डिटरमाइन द आउटकम ऑन द एंटिटी. तो व्हाट विल बी द आउटकम ऑन द एंटिटी एंड दिस इज योर स्ट्रेस टेस्टिंग. तो सिंपली मैं आपको टर्म समझा रहा हूं. अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे इन योर रिस्क मॉडल्स. ठीक है, तो ये आपके पास, दीज आर द क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड द क्वालिटेटिव टेक्निक्स, दोनों को हमने डिस्कस किया है. तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज द थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट था ना शायद ये, तो चेक कर लो एक बार. तो दिस इज योर थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, मीनिंग मेजरिंग एंड द मैनेजिंग द रिस्क. अब देखिए नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, दिस इज योर फिफ्थ पॉइंट, ERM, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज योर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट. और एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट मैंने अभी भी डिस्कस किया था कि अब हम पूरी एंटिटी के लिए चेक करेंगे, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए देखेंगे कि वहाँ पर कितना एक्सपोजर है. एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे ना देख के हम वहाँ पर हर डिपार्टमेंट का पहले क्या करेंगे, रिस्क कैलकुलेशन करेंगे, वहाँ पर हम क्वांटिफाई करेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, नेट ऑफ करेंगे, उसको वहाँ पर सेट ऑफ करेंगे. अगर एक रिस्क दूसरे रिस्क से सेट ऑफ हो रहा है तो उस केस में वहाँ पर मैं ओवरऑल बर्डन क्यों इंक्रीज करूँ ऑर्गेनाइजेशन का, क्यों ओवरऑल कॉस्ट वहाँ पर इंक्रीज करें. तो इसलिए हम क्या करते हैं, पूरे एंटरप्राइज का देखते हैं, एक ओवरऑल पूरी एंटरप्राइजेस के सिनेरियो को हम चेक करते हैं कि वहाँ पर कितना रिस्क एक्सपोजर है. तो उसी रिस्क को हम मैनेज करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के रिस्क को मैनेज नहीं करते हैं. तो दिस इज योर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट. तो लिख लो इस पे, ERM टेक्स एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट टेक्स एन इंटीग्रेटेड अप्रोच. कौन सी अप्रोच है, इंटीग्रेटेड या इंटीग्रेटिव अप्रोच. तो जितने भी डिपार्टमेंट के रिस्क को वो क्या कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है, साथ में क्या कर रहा है, उसको मर्ज कर रहा है. इंटीग्रेटेड अप्रोच टू रिस्क मैनेजमेंट विद इन एन एंटायर एंटिटी, विद इन एन एंटायर एंटिटी. तो वी हैव इंटीग्रेटेड अप्रोच, सबको इंटीग्रेट कर रहे हैं, साथ लेके चल रहे हैं, टू द रिस्क मैनेजमेंट विद इन एन एंटायर एंटिटी, डिस्पेंसिंग ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ इंडिपेंडेंटली मैनेजिंग द रिस्क विद इन ईच डिपार्टमेंट और डिवीजन ऑफ एन एंटिटी. समझ पा रहे हैं, तो यही मैं बात कर रहा था. तो ट्रेडिशनली वी आर अप्रोचिंग, कैसे हम अप्रोच कर रहे थे, वी आर इंडिपेंडेंटली मैनेजिंग द रिस्क ऑफ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, बट इन योर ERM सिस्टम वी आर इंटीग्रेटेड ऑल द रिस्क
into an organization और उसके बाद उस risk को क्या कर रहे हैं, manage कर रहे हैं, and this is your enterprise risk management। और इसकी techniques आपको देखने को मिलेगी, how to do the ERM, ERM system कैसे करते हैं, कैसे उसको execute करते हैं, तो वो वहाँ पर हम discuss करेंगे, ठीक है। तो जैसे उसका example मैंने पहले भी बताया था, एक department long position ले रहा है, एक department ने short position ली है, और उस केस में वहाँ पर लॉन्ग वाला अपनी हेजिंग कर रहा है, शॉर्ट वाला अपनी हेजिंग कर रहा है। बट जबकि अगर मैं पूरे ओवरऑल एंटरप्राइज के वहाँ पर अगर सिनेरियो को चेक करूँ, तो मेरा ऑलरेडी नेचुरल हेज है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर एक डिपार्टमेंट की लॉन्ग पोजीशन और एक डिपार्टमेंट की शॉर्ट पोजीशन है, तो ऑटोमेटिकली मेरा वहाँ पर पोजीशन हेज है। बट अगर मैं ERM सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो लॉन्ग वाला अपनी अलग हेजिंग स्ट्रेटजी ले रहा है, शॉर्ट वाला अपनी हेजिंग स्ट्रेटजी ले रहा है, और उस केस में एंटरप्राइज की जो कॉस्ट है वो क्या हो रही है, हेजिंग कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो दैट्स व्हाई वी आर फॉलोइंग अवर ERM सिस्टम एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज योर नेक्स्ट पॉइंट जो हमने यहाँ पर कवर किया है, दिस इज योर फिफ्थ पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट टर्म जो यहाँ पर मुझे कवर करनी है, दिस इज योर सिक्स टर्म, सिक्स पॉइंट, दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस एंड अनएक्सपेक्टेड लॉस। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर आपके पास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस एंड अनएक्सपेक्टेड लॉस। तो ये वर्ड हमें पता होना चाहिए इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनएक्सपेक्टेड लॉस। एक्सपेक्टेड लॉस, तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, एक्सपेक्टेड लॉस। और एक्सपेक्टेड लॉस का क्या मतलब है कि हम एडवांस में ही हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वहां पर हमें कितना लॉस हो सकता है, एक्सपेक्टेड टू लॉस इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। समझ पा रहे हैं, नॉर्मल कोर्स में हमें कितना लॉस हो सकता है, और वो हम एडवांस में क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसका एग्जांपल आपके पास है बैड डेट लॉसेस। तो बैड डेट लॉसेस क्या है कि आप एडवांस में ही पहले से ही देख सकते हो कि मुझे 5% बैड डेट हो सकता है, 10% बैड डेट हो सकता है, एंड दीज आर एक्सपेक्टेड लॉस। उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड लॉस की वहां पर आप पहले से ही उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इन एडवांस में उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप हिस्टोरिकल डेटा देखोगे, पास्ट डेटा देखोगे कि वहां पर क्रेडिट सेल कितनी थी, कितना वहां पर आपका रिकवर हुआ, और उसके अकॉर्डिंग आप आगे के लिए क्या कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दीज आर एक्सपेक्टेड लॉस, इसको क्या बोलते हैं मार्केट में, एक्सपेक्टेड लॉस। और हम इसको एडवांस में क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देख लीजिए, कंसिडर्स एक्सपेक्टेड लॉस, कंसिडर्स हाउ मच एन एंटिटी एक्सपेक्ट टू लॉस इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस, और इसको हम एडवांस में क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इट कैन ऑफन बी कंप्यूटेड इन एडवांस। With relative ease because of the certainty involved. Because of the certainty involved. ठीक है, example, credit sales, बैड डेट लॉसेस। कहां से पता लग पाएगा, हिस्टोरिकल डेटा से। तो हिस्टोरिकल डेटा से हम क्रेडिट सेल्स से बैड डेट लॉसेस कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड टू लूज, एंड दिस इज फ्रॉम योर हिस्टोरिकल डेटा। ये आपके पास क्या था, दिस इज योर एक्सपेक्टेड लॉस। नाउ द सेकेंड पॉइंट, अनएक्सपेक्टेड लॉस।
अब अनएक्सपेक्टेड लॉस का क्या मतलब है? आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, समझ पा रहे? नॉर्मल कोर्स के अलावा वहां पर उसको क्या लॉस हो सकता है, एंड दिस इज योर अनएक्सपेक्टेड लॉस, ठीक है? तो इसको प्रिडिक्ट कर पाना, इसको पहले से ही वहां पर कैलकुलेट कर पाना इन एडवांस पॉसिबल नहीं है. तो दीज आर अनएक्सपेक्टेड लॉस, दिस इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. नॉर्मल कोर्स से बाहर वहां पर कितना आपको लॉस हो सकता है, एंड दिस इज योर अनएक्सपेक्टेड लॉस. तो लिख लो सर, कंसिडर हाउ मच एन एंटिटी कुड लॉस आउटसाइड द परव्यू. द इंपॉर्टेंट वर्ड इज आउटसाइड ऑफ द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. द इंपॉर्टेंट वर्ड इज आउटसाइड नॉर्मल कोर्स के बाहर उसको वहां पर देख लीजिए, हाउ मच एन एंटिटी कुड लॉस. समझ पा रहे हैं? कितना उसको लॉस हो सकता है आउटसाइड द परव्यू ऑफ द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस कंपेयर टू एक्सपेक्टेड लॉस इट इज जनरली मोर डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट कॉम्प्यूट एंड प्रोवाइड फॉर इन एडवांस. अब देखो ना, अगर मैं एक्सपेक्टेड लॉस की बात करूं तो मैं क्रेडिट सेल्स से वहां पर देख सकता हूँ, हिस्टोरिकल डाटा से मुझे कितना लॉस हो सकता है, और उसके अकॉर्डिंग वहां पर हम देख सकते हैं व्हाट इज अवर एक्सपेक्टेड बैड डेट लॉस, ठीक है? कितने एक्सपेक्टेड बैड डेट लॉस हो सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम उसका प्रोविजन भी बना सकते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, हम पहले से प्रोविजन बना सकते हैं. बट इन केस ऑफ अनएक्सपेक्टेड लॉस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट कंप्यूट एंड प्रोवाइड फॉर इन द एडवांस. पहले से ही आप उसका प्रोविजन बना के नहीं चल सकते हैं. तो दिस इज योर अनएक्सपेक्टेड लॉस. तो की फीचर्स क्या है अनएक्सपेक्टेड लॉस को? इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, डिफिकल्ट टू कंप्यूट एंड प्रोवाइड फॉर इन द एडवांस. समझ भाई, डिफिकल्ट टू प्रोवाइड फॉर इन द एडवांस बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड. इसका एग्जाम्पल समझते हैं सर, आपको समझ में आ जाएगा दोनों में क्या डिफरेंस है. मान लो एक बैंक है, बैंक इज प्रोवाइडिंग लोन टू द रियल एस्टेट कंपनी. बैंक इज प्रोवाइडिंग लोन टू द रियल एस्टेट कंपनी, मान लो डीएलएफ. अब डीएलएफ आगे क्या कर रहा है? होम सेल्स, घर बेच रहा है सर. अब उस केस में आप देखेंगे कि जब वहां पर देख लीजिए इकोनॉमी बूम पे है, तो वी हैव ए लेस डिफॉल्ट ऑन द लोन्स. देख लीजिए जिन्होंने घर परचेज किए हैं वहां पर, देख लीजिए उन्होंने वहां पर लेस डिफॉल्ट किए हैं. तो उस केस में रियल एस्टेट कंपनी के डिफॉल्ट होने के चांसेस क्या हैं? बहुत कम है. तो वी आर टेकिंग द प्रोविजन ऑफ 4%, 5%, 10%. तो बैंक वहां पर मान लो 5% प्रोविजन बना के चल रहा है कि 5% वहां पर आपके क्या हो सकते हैं, लोन डिफॉल्ट कर सकते हैं. रियल एस्टेट कंपनी क्या कर सकते हैं? डिफॉल्ट कर सकती है, क्योंकि यहां पर होम सेल्स हो रही है, और जब बूम पे इकोनॉमी है तो खूब होम सेल्स हो रही है, और उस केस में रियल एस्टेट कंपनी अपनी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की रिपेमेंट किसको कर रही है? बैंक्स को कर रहे हैं. टाइमली रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, क्योंकि इकोनॉमी बूम पे है और वहां पर होम सेल्स हो रही हैं रेगुलर, आपको ये घर बिक रहे हैं, लोग घर खरीद रहे हैं. तो उस केस में रियल एस्टेट कंपनी का डिफॉल्ट करने का चांस बहुत कम है, और वो वहां पर देख लीजिए वी हैव ए प्रिडिक्शन कि चलो 5% लोन क्या हो सकते हैं, डिफॉल्ट कर सकते हैं. रियल एस्टेट कंपनी क्या कर सकती है? डिफॉल्ट कर सकते हैं. तो दे आर गिविंग लोन टू द डीएलएफ, टू द यूनिटेक, अलग अलग कंपनीज को उन्होंने क्या दे रखे हैं? लोन दे रखे हैं. तो इन केस ऑफ बूम
उनके डिफॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटीज कम है, उनके डिफॉल्ट करने का चांस कम है, तो उस केस में व्हाट इज अवर एक्सपेक्टेड लॉस। मान लो हमने 5% का प्रोविजन ले लिया कि 5% लोन क्या कर सकते हैं, डिफॉल्ट कर सकते हैं, वो एनपीएस हो सकते हैं। बट जैसे ही रिसेशन आएगा, लोगों ने घर खरीदना बंद कर दिया, तो मैक्सिमम कंपनीज क्या करने लगी, डिफॉल्ट करने लगी। डीएलएफ ने भी डिफॉल्ट किया, यूनिटेक ने भी डिफॉल्ट किया, तो वहां पर डिफरेंट आपके देख लीजिए जो कंपनीज है, रियल एस्टेट कंपनीज है, सबने डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। एंड दिस इज योर अनएक्सपेक्टेड लॉस। हम बारे इसको क्या बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेड लॉस। इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, इसको प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट था, इसको कंप्यूट करना डिफिकल्ट था, और इसका प्रोविजन बनाना पहले से ही क्या था, डिफिकल्ट था। एंड दिस इज योर अनएक्सपेक्टेड लॉस। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आया ना, उसके लिए हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 5% कंपनीज डिफॉल्ट करेंगी, 10% कंपनीज डिफॉल्ट करेंगे, वी आर मेकिंग द प्रोविजन ऑफ दिस। बट जो अनएक्सपेक्टेड लॉस है उसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, उसको प्रोवाइड कराना मुश्किल है, उसको कंप्यूट करना क्या है, मुश्किल है। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड लॉस एंड द अनएक्सपेक्टेड लॉस। चलें सर आगे। तो ये आपके पास, दिस इज योर सिक्स टर्म जो हमने यहां पर कवर किया है, दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड लॉस एंड व्हाट इज अनएक्सपेक्टेड लॉस। तो इन सब पॉइंट्स की हमें जरूरत पड़ेगी और वहां पर हम डिस्कस करेंगे कि ये आपके पास देख लीजिए इसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट आपके पास, दिस इज योर सेवेंथ पॉइंट एंड दिस इज योर टाइप्स ऑफ रिस्क। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क, एक बार सबको लिख लेते हैं और फिर एक एक पॉइंट को वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, केस स्टडी का वहाँ पर पॉइंट आ सकता है कि वहाँ पर वो एक केस दे देंगे और पूछेंगे कि यहाँ पर कौन सा रिस्क है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, मेन जब चैप्टर के अंदर आएगा ये पूरा पार्ट तब वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से एलोबरेट करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क, और एक एक चीज़ को वहाँ पर डिफाइन करने के बाद वहाँ पर हम देखेंगे डिफरेंट केसेस कि किन केसेस में वहाँ पर कौन सा रिस्क है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वहाँ पर कौन से टाइप का रिस्क है, और वो आपको बताना पड़ेगा, और वो बताना पड़ेगा क्यों ये वाला टाइप का रिस्क है, वो पूछ सकते हैं एग्जाम में आपसे। ठीक है, तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क, रिस्क क्लासेस, वी हैव रिस्क क्लासेस। तो पहला आपके पास क्या है, वी हैव मार्केट रिस्क। तो पहले एक बार लिख लेते हैं कितने टाइप के रिस्क आपके पास हैं। सेकंड वन इज योर क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, दिस इज योर क्रेडिट रिस्क। थर्ड वन इज योर लिक्विडिटी रिस्क, फोर्थ पॉइंट वी विल डिस्कस एक एक पॉइंट। फिर नेक्स्ट है ऑपरेशनल रिस्क, नाउ द नेक्स्ट वन दिस इज योर लीगल रिस्क, लीगल और रेगुलेशनल रिस्क, रेगुलेशन रिस्क, रेगुलेशन रिस्क। नाउ द सिक्स्थ वन दिस इज योर बिजनेस रिस्क, नाउ द सेवेंथ वन दिस इज योर स्ट्रेटेजिक रिस्क, एंड द लास्ट वन दिस इज योर एट्थ पॉइंट रेपुटेशनल रिस्क। तो ये अगवज एट टाइप्स ऑफ रिस्क हैं, वी हैव मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, लीगल एंड रेगुलेशन रिस्क, बिजनेस रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क, एंड लास्ट वन इज योर रेपुटेशनल रिस्क। ठीक है, तो ये आठ तरह के रिस्क है जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, पूरे चैप्टर के अंदर हैं ये, बट यहाँ पर आपके पास सिर्फ मैं बेसिक अभी पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, पूरा पार्ट डिस्कस अभी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना यहाँ पर कि अभी हम सिर्फ बेसिक पार्ट को देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम पूरा हम कर चुके हैं, नहीं सर, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में इसके बारे में काफ़ी बात होने वाली है। तो लिखो सर, सबसे पहले वी हैव मार्केट रिस्क, सबसे पहले वी हैव मार्केट रिस्क।
मार्केट रिस्क, और मार्केट रिस्क भी चार तरह का होता है सर. फर्स्ट वन इज योर इंटरेस्ट रेट रिस्क. तो टेक्निकली ये आप सब कर चुके हैं, इसका मैक्सिमम पार्ट आप कर चुके हैं. इंटरेस्ट रेट रिस्क, दिस इज योर इंटरेस्ट रेट रिस्क. सेकेंड पॉइंट जो यहां पर है आपके पास, वी हैव फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, कर चुके हैं आप ऑलरेडी. फॉरेन एक्सचेंज रिस्क. नाउ द थर्ड वन इज योर सी पॉइंट इज योर कमोडिटी प्राइस रिस्क. एंड द डी पॉइंट, लास्ट पॉइंट इज योर इक्विटी प्राइस रिस्क. इक्विटी प्राइस रिस्क. तो अभी से बेसिक पार्ट यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, फिर आगे जाके फिर दोबारा से इन सबको हम डिस्कस करेंगे जो इसके मेन चैप्टर के अंदर आएगा सर. ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल बात कर रहे हैं, व्हाट इज इंटरेस्ट रेट रिस्क. इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे ही मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लक्चुएट होंगे, वैसे ही हमारे बॉन्ड के प्राइसेस क्या होंगे, फ्लक्चुएट होंगे. एंड वी हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द बॉन्ड प्राइस एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट. मार्केट रेट और आपके पास मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द बॉन्ड प्राइस में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है. और उसको ही मार्केट में क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क. उसको क्या बोलते हैं मार्केट में, इंटरेस्ट रेट रिस्क. ठीक है, तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द बॉन्ड वैल्यू एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड दिस इज योर इंटरेस्ट रेट रिस्क. तो ये मार्केट रिस्क है. तो अगर मैं बात करूं आपके जो कंटेंट है, तो उसके अंदर उन्होंने मार्केट रिस्क नाम का चैप्टर नहीं दिया है. और उसका कारण क्या है, ये ऑलमोस्ट चीजें आप कर चुके हैं, दिस इज इन योर SFM. SFM में ये पार्ट आप ऑलमोस्ट कर चुके हैं. तो उन्होंने यहाँ पर आपको दोबारा से ये चैप्टर नहीं दिया SFM वाला. बट मैं ये एक चीज़ हमेशा कहना चाहूँगा कि दिस इज एन ओपन बुक एग्जाम, ये वाला पार्ट कभी भी आपके एग्जाम में आ सकता है. तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहें, हमेशा तैयार रहे, SFM को रिवाइज करके जाएं, आपके डेरिवेटिव पोर्शन को, अपने फॉरेक्स वाले पोर्शन को और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट वाले पोर्शन को आप रिवाइज करके जाएं, और ये चारों पॉइंट वहां पर ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे. ठीक है, तो दिस इज योर मार्केट रिस्क रिस्क, और उसमें आपके पास इंटरेस्ट रेट रिस्क हो गया, साथ में फॉरेन एक्सचेंज रिस्क पहले भी कर चुके हैं डिस्कस. तो वी हैव नॉन अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी एंड वी हैव अननोन अमाउंट ऑफ, देख लीजिए, होम करेंसी. तो वो जो रिस्क है वहां पर, मुझे उसको क्या करना होता है, देख लीजिए, उसको मिनिमाइज करना होता है. वो वाला जो रिस्क है वो क्या है आपके पास, दिस इज योर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, कि अगर फॉरेन करेंसी के प्राइस फ्लक्चुएट होंगे तो मेरी रिसिप्ट और पेमेंट क्या होगी, फ्लक्चुएट होगी. मेरा जो होम करेंसी में जो मुझे रिसिप्ट आएगी या पेमेंट मुझे करनी है होम करेंसी में, वो आपके पास देख लीजिए वो फ्लक्चुएट होगी. तो उसको क्या बोलते हैं, दिस इज योर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क. तो हमें पता है कि मेरे वहां पर एक्सपोर्ट्स हैं या इंपोर्ट है, 3 महीने के बाद मुझे पेमेंट करनी है, रिसिप्ट करनी है. तो वी हैव ए नोन अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी बट अ नोन अमाउंट ऑफ होम करेंसी, और जो वो फ्लक्चुएशन एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन को, तो दिस इज योर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क. उसको क्या बोलते हैं मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क. ठीक है, साथ में वी हैव कमोडिटी प्राइस रिस्क. तो अगर कमोडिटी के प्राइसेस फ्लक्चुएट करेंगे, देख लीजिए, तो वहां पर मुझे रिस्क है, मेरी जो वहां पर देख लीजिए जो डिमांड और सप्लाई में देख लीजिए चेंज आएगा बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस. तो वो क्या है आपके पास, दिस इज योर कमोडिटी प्राइस रिस्क. तो आप देखेंगे सर कि जैसे ऑयल की बात करें, क्रूड ऑयल की बात करें, तो ओपेक क्या कर रहा है, देख लीजिए, वहां पर सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है. तो वहां पर जो प्राइस फ्लक्चुएशन है, देख लीजिए, बिकॉज ऑफ द सप्लाई, कि वहां पर सप्लाई को हम वहां पर शॉर्ट कर रहे हैं या कट शॉर्ट कर रहे हैं या सप्लाई को बढ़ा रहे हैं, उसकी वजह से प्राइस में जो फ्लक्चुएशन आ रहा है, दिस इज योर कमोडिटी प्राइस रिस्क. उसको क्या बोल रहे हैं, दिस इज योर कमोडिटी प्राइस रिस्क. तो दिस इज द प्राइस फ्लक्चुएशन ड्यू टू द सप्लाई कंट्रोल और द डिमांड कंट्रोल. डिमांड को कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट, रेगुलेशन है, डिमांड को कंट्रोल कर रही है या सप्लाई को कंट्रोल कर रही है, उस वजह से क्या हो रहा है, प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, प्राइस वॉलेटाइल हो रहा है, एंड दिस इज योर कमोडिटी प्राइस रिस्क. ठीक है, तो जो भी कमोडिटी के प्राइसेस, तो गवर्नमेंट ने सीलिंग लगा दी, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं. तो वी हैव टू कंट्रोल द डिमांड एंड द सप्लाई. आप वहां पर देख लीजिए अपनी सप्लाई कट कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं. तो दिस इज योर कमोडिटी प्राइस रिस्क.
साथ में लास्ट में आपके पास क्या है, वी हैव इक्विटी प्राइस रिस्क। और इक्विटी प्राइस रिस्क क्या है बेसिकली, कि मार्केट में जब भी इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो रही है तो आपके स्टॉक्स की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, एंड दिस इज योर इक्विटी प्राइस रिस्क। समझ पा रहे उसको क्या बोल रहे हैं मार्केट में, इक्विटी प्राइस रिस्क। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम बातें करेंगे सर आगे जाके। अभी मैं वहां पर आपका देख लीजिए डबलिंग नहीं करना चाहता मैं, पहले इस पे अब लिखवाऊं फिर दोबारा से मेन चैप्टर में आएगा फिर मैं आपको लिखवाऊं, उसका फायदा नहीं है। जब हम वहां पर जाएंगे आपके पास उन चैप्टर्स में जाएंगे जहां पर ये पॉइंट है तो ऑटोमेटिकली ये सब चीजें कवर हो जाएंगी। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ रिस्क वी हैव। मार्केट रिस्क, मार्केट इसके अंदर सबसे पहले आपके पास आएगा इंटरेस्ट रेट रिस्क, फिर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, वी हैव कमोडिटी रिस्क, वी हैव इक्विटी रिस्क। ठीक है, तो इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें करनी है, बट अभी मैं सिर्फ बेसिक बात बता रहा हूँ। इंटरेस्ट रेट बिकॉज ऑफ द चेंज इन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेट बिकॉज ऑफ द चेंज इन द फॉरेन करेंसीज और द फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसकी वजह से जो रिस्क है। साथ में कमोडिटी प्राइसेस में जो चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ द चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, तो वो आपके पास क्या है, दिस इज योर कमोडिटी प्राइस रिस्क। एंड द लास्ट वन इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन इंडेक्स, इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, निफ्टी की वैल्यू चेंज हो रही है तो हमारे स्टॉक की वैल्यू भी चेंज हो रही है, एंड दिस इज योर इक्विटी प्राइस रिस्क। ये आपके पास क्या आ गया, इक्विटी प्राइस रिस्क। नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज योर क्रेडिट रिस्क। समझ पा रहे हैं, नेक्स्ट हमें जो डिस्कस करना है दिस इज योर क्रेडिट रिस्क। तो सेकंड पॉइंट लिखो सर, क्रेडिट रिस्क। अगेन क्रेडिट रिस्क में चार पॉइंट है। द फर्स्ट वन इज योर डिफॉल्ट रिस्क। सेकेंड पॉइंट आपके पास क्या है, बैंक्रप्सी रिस्क। सी पॉइंट आपके पास क्या है, डाउनग्रेड रिस्क। तो पूरा चैप्टर है आपके पास क्रेडिट, देख लीजिए क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट पे आपका पूरा चैप्टर है, तो वहां पर ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। डिफॉल्ट रिस्क, व्हाट इज बैंक्रप्सी रिस्क, व्हाट इज डाउनग्रेड रिस्क, and the last point, this is your settlement risk. तो एक बार सिंपल टर्म्स में इसको समझ लेते हैं बस एक बार, कि वहां पर इनका मतलब क्या है। What is the meaning of credit risk? Credit risk का क्या मतलब है कि सामने वाली पार्टी आपका पैसा नहीं दे रही है, तो उस केस में वहां पर देख लीजिए, या आपको किसी पार्टी से पैसा लेना है तो उस केस में वहां पर देख लीजिए वो पार्टी आपका पैसा नहीं देगी, तो वो आपको रिस्क बियर करना पड़ेगा, तो दिस इज योर क्रेडिट रिस्क। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट ना। तो आपको देख लीजिए वहां पर आपके डेटर्स हैं और डेटर्स आपका पैसा नहीं दे रहे हैं, तो वो रिस्क है ना आपके पास, एंड दिस इज योर रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। समझ पा रहे हैं, दिस इज योर रिस्क ऑफ डिफॉल्ट एंड दिस इज योर क्रेडिट रिस्क। तो यहां पर इसको हमने चार जगह डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले आपके पास क्या है, डिफॉल्ट रिस्क, नाम से पता चल रहा है, नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज। तो आपने किसी को वहां पर क्रेडिट पे सेल्स किया है और उस केस में सामने वाली पार्टी आपका पैसा नहीं दे रहा है, तो दिस इज योर डिफॉल्ट रिस्क। उसको क्या बोल रहे हैं मार्केट में, डिफॉल्ट रिस्क। दिस इज द नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल। आपने लोन दिया हुआ है, बैंक ने लोन दिया हुआ है और सामने वाली पार्टी आपका इंटरेस्ट प्रिंसिपल रिपेमेंट नहीं कर रहा है, तो दिस इज योर डिफॉल्ट रिस्क। नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज योर बैंक्रप्सी रिस्क। बैंक्रप्सी रिस्क का क्या मतलब है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि वहां पर आपके पास कुछ कोलेट्रल है। अब बैंक ने लोन दे रखा है और जब वो लोन दिया ना, दिस इज बेस्ड ऑन सम कोलेट्रल, तो उन्होंने वहां पर किसी प्रॉपर्टी के पेपर्स अपने पास ले लिए हैं, जो भी वहां पर देख लीजिए उन्होंने प्लेज कर लिया है, कुछ कुछ चीजों को प्लेज कर लिया है। अब जो प्लेज्ड आपके पास प्रॉपर्टी पेपर्स हैं या प्लेज आपके पास ज्वेलरी है, वो वहां पर देख लीजिए जो आपका डिफॉल्ट अमाउंट है उसको वहां पर कवर करने में देख लीजिए अनेबल है, तो उस केस में दिस इज योर बैंक्रप्सी रिस्क। इसको क्या बोलते हैं मार्केट में, बैंक्रप्सी रिस्क, कि जो भी आपके कोलेट्रल है दे आर वेरी इनसफिशियंट अमाउंट, दे आर वेरी इनसफिशियंट टू रिकवर योर क्रेडिट अमाउंट, टू रिकवर योर डिफॉल्ट अमाउंट, तो उस रिस्क को क्या बोलते हैं, दिस इज योर बैंक्रप्सी रिस्क। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सब में। डिफॉल्ट रिस्क क्या है, तो वो वहां पर एक ओवरऑल रिस्क है कि वहां पर नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल वो वहां पर है, तो दिस इज योर डिफॉल्ट रिस्क। बैंक्रप्सी इज रिलेटेड कि वहां पर कोलेट्रल है बट कोलेट्रल आपकी पूरा पैसा रिकवर नहीं कर पा रहा है, तो दिस इज योर बैंक्रप्सी रिस्क। व्हाट इज डाउनग्रेड रिस्क। डाउनग्रेड रिस्क का क्या मतलब है कि मान लो आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दे रखा है और उस ऑर्गेनाइजेशन का देख लीजिए क्रेडिट रेटिंग क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है, क्रेडिट रेटिंग कम हो जाता है, तो उस केस में यू आर चार्जिंग
हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, समझ पा रहे हैं, जैसे उनका डाउनग्रेड होगा वहां पर उनकी क्रेडिटिंग कम होगी, तो यू आर चार्जिंग हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड दिस इज योर डाउनग्रेड रिस्क। उसको क्या बोलते हैं, डाउनग्रेड रिस्क, कि सामने वाली पार्टी डाउनग्रेड हो सकती है और उस केस में वहां पर हमें उनसे क्या चार्ज करना पड़ेगा, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वो पे नहीं करेगी तो क्या होगा, फाइनली डिफॉल्ट होगा, समझ पा रहे हैं, फाइनली क्या होगा, डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट इज अ ओवरऑल कॉन्सेप्ट, बट साथ में उन्होंने डिफरेंस क्रिएट करा है बैंक्रप्सी रिस्क कब है, डिफॉल्ट रिस्क कब है और डाउनग्रेड रिस्क कब है। लास्ट वन आपके पास क्या है, व्हाट इज योर सेटलमेंट रिस्क, ये हमने काफी डिस्कस किया हुआ है सेटलमेंट रिस्क। तो आपने इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट किया था, वहां पर हमने देख लीजिए इंटरेस्ट रेट रिस्क के लिए वी हैव डिफरेंट स्ट्रेटजी, वी हैव इंटरेस्ट रेट स्वैप, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, अलग अलग चीज़ें हमने वहां पर डिस्कस की थी, कैश फ्लो कॉलर हमने किया था वहां पर, करेंसी स्वैप हमने किया था। तो वहां पर एक पार्टी पे था, एक पार्टी रिसिप्ट था, तो हम लिखते थे वहां पर वी हैव मिस्टर ए पेस एंड मिस्टर बी रिसीव्स, मिस्टर ए पेस 10,000 टू मिस्टर बी। अब वहां पर मिस्टर ए ने वहां पर देख लीजिए एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट मना कर दिया देने से, तो उसको रिस्क क्या बोलते हैं, उस रिस्क को क्या बोलते हैं, सेटलमेंट रिस्क। तो जब हम सेटलमेंट करने गए तो पार्टी ने मना कर दिया सेटलमेंट करने से, होगा डिफॉल्ट ही वहां पर भी, वो डिफॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड डिफॉल्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, बट उस पर्टिकुलर रिस्क को क्या बोलते हैं, सेटलमेंट रेट एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट, जो भी हमारा नेट में सेटलमेंट हो रहा है, ए वन पार्टी पेज वन पार्टी रिसीव्स, याद आ रहा है सर, तो वो वन पार्टी पेज मतलब एक को देना है दूसरे को रिसीव करना है, जिसको देना है उसने मना कर दिया, तो दिस इज योर सेटलमेंट रिस्क, ठीक है, उसको मार्केट में क्या बोलते हैं, सेटलमेंट रिस्क। दिस इज रिस्क, दिस इज इन योर डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन, ये मेनली कहां पर देखने को मिल रहा है, दिस इज इन योर डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन। तो सेकेंड पॉइंट मैंने आपका कवर कर दिया है, दिस इज योर क्रेडिट रिस्क। पहला आपके पास क्या था, मार्केट रिस्क, बड़ा सिंपल था, ये हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, दिस इज इन योर SFM, इंटरेस्ट रेट रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, कमोडिटी रिस्क एंड इक्विटी रिस्क। सेकेंड वन इज क्रेडिट रिस्क एंड दिस इज डिफॉल्ट रिस्क, बैंक्रप्सी रिस्क, डाउनग्रेड रिस्क एंड सेटलमेंट रिस्क। नाउ द नेक्स्ट थर्ड वन, थर्ड पॉइंट यहां पर आपके पास क्या है, दिस इज योर लिक्विडिटी रिस्क। व्हाट इज लिक्विडिटी रिस्क, अब ये भी दो तरह के हैं सर, दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक एक पॉइंट मैं इसलिए आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूं कि ये आपको सब समझ में आ जाए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क, ठीक है। और एक बार रिस्क समझ में आया ना, इस पूरा सब्जेक्ट में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, हर चीज हम समझ पाएंगे, हर चीज का क्रक्स हम समझ पाएंगे, ठीक है। तो लिक्विडिटी रिस्क, वी हैव टू टाइप्स, फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क, and the next one is trading. Funding liquidity risk, समझ लेते हैं एक बार, what is funding liquidity risk? अब आपको कोई भी payments करनी है, आपको cash flows देख लीजिए वहां पर आपको चाहिए payments करने के लिए, short term payments करने के लिए, और आपके पास वहाँ पर लिक्विडिटी मेंटेन नहीं है, आपके पास फंड मेंटेन नहीं है, एंड दिस इज योर फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क, उसको मार्केट में क्या बोलते हैं, फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क। तो आपको शॉर्ट टर्म पेमेंट्स करनी है, आपकी शॉर्ट टर्म कोई ऑब्लिगेशंस हैं उसकी पेमेंट करनी है, और उसके लिए आपको फंड नहीं है, आपके पास फंड नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है। तो आपको कोई शॉर्ट टर्म पेमेंट्स करनी है, अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, कोई क्रेडिटर्स की ऑब्लिगेशन है शॉर्ट टर्म की और वो पेमेंट करना है, तो उस केस में आपके पास पैसा नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क। व्हाट इज ट्रेडिंग लिक्विडिटी रिस्क, दिस इज अनदर पार्ट। अगर आपको याद हो तो हमने मार्केटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी पढ़ा था, दिस इज इन योर बोनस शेयर्स, तो वी हैव मार्केटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। क्यों कंपनी वहां पर करती है बोनस, दिस इज फॉर मार्केटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। तो ये लिक्विडिटी वो वाला है सर, ठीक है। लिक्विडिटी का क्या मतलब है, इजिली ट्रेडेबल, समझ पा रहे, लिक्विडिटी का क्या मतलब है, इजिली ट्रेडेबल। तो दिस इज रिलेटेड टू द ट्रेडिंग, समझ पा रहे, किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं, कि वो इजिली ट्रेडेबल है, इजिली बाय सेल हो रहा है। तो आपने कोई स्टॉक ऐसा खरीद लिया कि जो वहां पर इलिक्विड है, जहां पर लिक्विडिटी नहीं है, ट्रेडिंग लिक्विडिटी नहीं है, तो उस केस में उसको बाय सेल करना पॉसिबल नहीं है, और वहां पर उस केस में अगर आप बाय, वहां पर उसको बाय या सेल करोगे तो आपको ह्यूज वहां पर लॉस हो सकता है। क्यों, अगर आपको देख लीजिए आपने 50 रुपीज का बाय किया और अब आपको सेल करना है, सेलर वहां पर कोई है नहीं, तो आप 40 में 30 में आपको क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, एंड दिस इज रिलेटेड टू द ट्रेडिंग लिक्विडिटी रिस्क। आपको कोई स्टॉक बाय करना है,
कोई वहां पर सही में बायर है नहीं आपके पास सामने, लिक्विडिटी है नहीं उस स्टॉक में, तो उस केस में 50 रुपीज की चीज आपको 100 रुपीज, 70 रुपीज, 80 रुपीज में बाय करनी पड़ेगी, एंड दिस इज योर ट्रेडिंग लिक्विडिटी रिस्क. दिस इज रिलेटेड टू द ट्रेडिंग. समझ पाए? दिस इज रिलेटेड टू द ऑब्लिगेशन टू पे, ऑब्लिगेशंस ऑफ द फंड पेमेंट्स. तो वो आपके पास क्या है, दिस इज योर फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट. फोर्थ पॉइंट इज ऑपरेशनल रिस्क. ऑपरेशनल रिस्क, दिस इज द रिस्क एसोसिएटेड विद द ऑपरेशंस. समझ पा रहे हैं कैसा रिस्क है? जैसे डिफॉल्ट रिस्क, आपने वहां पर जब एंट्रीज कर रहे हैं तो वो वहां पर रिस्क है. ऑपरेशंस, दिस इज इन योर बिजनेस ऑपरेशंस, कि जो भी आप ऑपरेशंस कर रहे हैं, जो भी आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, उसके अंदर जो रिस्क है, दिस इज योर ऑपरेशनल रिस्क. रिस्क ऑफ फ्रॉड, कि वहां पर आपके एम्प्लॉयज आपसे क्या कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, तो दिस इज रिलेटेड टू ऑपरेशनल रिस्क. और क्या हो सकता है आपके पास, आप जब जनरल एंट्रीज पास कर रहे हैं तो आपने जनरल एंट्री पास कर दी, या कोई एंट्री आपने किसी और अकाउंट में डाल दी, तो उसकी वजह से जो भी वहां पर रिस्क है उसको क्या बोल रहे हैं, दीज आर ऑपरेशनल रिस्क. अब इस पे दो लाइनें लिख लो सर, जिससे ध्यान रहे सर. व्हाट इज ऑपरेशनल, दिस इज रिलेटेड टू द फ्रॉड, दिस इज रिलेटेड टू द प्रोसेस. तो लिख लीजिए, इट कंसिडर्स ए वाइड रेंज ऑफ नॉन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सच एज इनएडिक्वेट कंप्यूटर सिस्टम. अब आप सही टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करें, दिस इज रिलेटेड टू टेक्निकल रिस्क और द टेक्नोलॉजी रिस्क. समझ पा रहे हैं? तो वहां टेक्नोलॉजी रिस्क है, आप सही से वहां पर टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर रहे हैं, आप सही से कंप्यूटर सिस्टम्स को यूज नहीं कर रहे हैं, एंड दिस इज योर ऑपरेशनल रिस्क. उसको क्या बोल रहे हैं मार्केट में, ऑपरेशनल रिस्क. दिस इज इट कंसिडर ए वाइड रेंज ऑफ नॉन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सच एज इनएडिक्वेट कंप्यूटर सिस्टम इनसफिशियंट इंटरनल कंट्रोल्स, इनसफिशियंट इंटरनल कंट्रोल्स, फ्रॉड, ह्यूमन एरर एंड नेचुरल डिजास्टर्स. दीज आर ऑपरेशनल रिस्क. समझ पा रहे हैं इसको क्या बोल रहे हैं, ऑपरेशनल रिस्क. तो दिस इज द फोर्थ पॉइंट. नाउ द फिफ्थ पॉइंट, दिस इज रिलेटेड टू द लीगल और रेगुलेशन रिस्क. अब देख लीजिए, आपने कोई कंपनी सेटअप की और वहां पर टैक्स रेट चेंज हो जाते हैं या रेगुलेशन चेंज हो जाता है, तो आपका पूरा बिजनेस वहां पर देख लीजिए क्लोज हो सकता है. दीज आर लीगल रिस्क और द रेगुलेशन रिस्क. और उसका हमारे पास एग्जांपल है कि बिहार में लीकर क्या हो गया, बैन हो गया, और लीकर बैन होने की वजह से जो भी लीकर कंपनीज थी उनको वहां पर देख लीजिए हाई लीगल और द रेगुलेशन रिस्क है. ठीक है, वहां पर उनको क्या हुआ, लीगल और रेगुलेशन रिस्क हुआ. और जहाँ तक आप देख सकते हैं कि जितनी भी लीकर कंपनीज हैं उनको अपनी फैक्ट्रीज क्या करनी पड़ी, क्लोज करनी पड़ी. एंड दिस इज लीगल और द रेगुलेशन रिस्क. ठीक है, तो आपने कोई बिजनेस सेटअप किया, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, उसके लिए आपने पूरी तैयारी कर ली है, पूरा अपना सेटअप लगा लिया, और वहाँ पर देख लीजिए उस पर कमोडिटी बैन हो जाता है, कोई मेडिसिन बैन हो जाती है, तो उस केस में दिस इज योर लीगल और द रेगुलेशन रिस्क. इट अराइजेस when one party sues the other party in an attempt to nullify the
ट्रांजैक्शन, या आपने वहां पर किसी को सर्विस दी और उस केस में वहां पर देख लीजिए दूसरी पार्टी ने वहां पर आपके ऊपर लीगल केस कर दिया कि ये सर्विसेज हमें गलत तरीके से दी गई हैं, ठीक है, या वहां पर मुझे सही तरह से एग्जीक्यूशन नहीं हुआ उन सर्विसेज का. तो दिस इज द वन पार्टी सूज द अदर पार्टी इन एन अटेम्प्ट टू नलीफाई द ट्रांजेक्शन. कोई अगर आपके बीच में दो लोगों के बीच में ट्रांजेक्शन हुए हैं उसको नलीफाई कराने के लिए कोई लीगल सूट हो गया तो दिस इज योर लीगल और द रेगुलेशन रिस्क. साथ में आपके पास इसके और एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं. रेगुलेटरी रिस्क, तो आपके एम्प्लॉयज ने आपको सू कर दिया किसी पॉइंट को लेके, आपके जो सप्लायर्स हैं उन्होंने आपको सू कर दिया किसी पॉइंट को लेके, तो इन फॉर एनी ट्रांजेक्शन एक पार्टी ने सू कर दिया है तो उस केस में दिस इज योर लीगल रिस्क. रेगुलेटरी आपके पास है ही कि वहां पर कोई रेगुलेशन चेंज हो जाता है, सेबी गाइडलाइन चेंज हो जाती है तो आपका पूरा बिजनेस क्या हो सकता है, क्लोज हो सकता है. तो दिस आर रेगुलेटरी रिस्क. रेगुलेटरी रिस्क कुड अराइज from changes in laws and regulations. That are unfavorable to the entity. और उसके हमने एग्जाम्पल दिए कोई टैक्स चेंज इन टैक्स रेट्स, चेंजेस इन टैक्स रेट्स, हायर कंप्लायंस कॉस्ट, तो आप देख सकते हैं सर कि कंप्लायंस कॉस्ट अगर अब जीएसटी आने से क्या हुआ, कंप्लायंस कॉस्ट क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है. कंपनीज एक्ट में कंप्लायंस कॉस्ट क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है और उसकी वजह से आपको रिस्क है. समझ पाए, दीज आर रेगुलेटरी रिस्क. अब देखिए नेक्स्ट जो आपके पास है सिक्स पॉइंट, दिस इज योर बिजनेस रिस्क. अब जो बिजनेस रिस्क है उसका मतलब क्या है पहले वो समझ लेते हैं. बिजनेस रिस्क का क्या मतलब है कि बिकॉज ऑफ द चेंज इन डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट जो आप वहां पर बना रहे हैं, या जो भी आपकी कॉस्ट इन्वॉल्व है वहाँ पर, जो भी प्रोडक्ट बनाने में कॉस्ट इन्वॉल्व है तो वो अगर चेंज हो रही है तो दिस इज़ योर बिजनेस रिस्क. दिस इज़ द रिस्क रिलेटेड टू योर इनकम स्टेटमेंट, योर रेवेन्यूज, योर आउटपुट, योर कॉस्ट. सुन पा रहे हैं, उससे रिलेटेड है आपका बिजनेस रिस्क. तो वो मान लो आपका जो भी प्रोडक्ट आप वहाँ पर बना रहे हो उसकी डिमांड चेंज हो जाती है, या जो भी आप कॉस्ट इनकर्ड कर रहे हो उनकी कॉस्ट चेंज हो जाती है, तो दिस इज़ योर बिजनेस रिस्क. दिस इज द रिस्क रिलेटेड टू योर इनकम स्टेटमेंट. दिस इज द रिस्क रिलेटेड टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो अगर वो कोई रिस्क है तो उसको क्या बोल रहे हैं, दिस इज योर बिजनेस रिस्क. ठीक है, तो लिख लो इट इन्वॉल्व्स अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग the entities income statement revenues maybe uncertain revenues may be uncertain because of uncertainty, because of the uncertainty surrounding the demand for the products or price of the product. मान लो प्राइस ही फॉल हो जाए, जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसका मार्केट में प्राइस क्या हो जाए, फॉल हो जाए, तो उस केस में आपके रेवेन्यूज क्या होंगे, इफेक्ट होंगे प्रोडक्शन एंड
एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाए, आपकी एडमिन कॉस्ट क्या हो जाए, बढ़ जाए, प्रोडक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट मे ऑल्सो बी अनसर्टेन। तो उस रिस्क को क्या बोलते हैं, वी हैव बिजनेस रिस्क, समझ पा रहे हैं, उस रिस्क को मार्केट में क्या बोलते हैं, बिजनेस रिस्क। नाउ द नेक्स्ट सेवेंथ पॉइंट, वी हैव स्ट्रेटेजिक रिस्क। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक रिस्क? दिस इज द रिस्क रिलेटेड टू योर स्ट्रेटेजी, आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो वी हैव एग्जाम्पल ऑफ नोकिया, तो नोकिया ने क्या किया वहां पर देख लीजिए, एंड्रॉयड फोन नहीं बनाया, और एंड्रॉयड फोन नहीं बनाया तो क्या हुआ सर, कंपनी देख लीजिए, कंपनी की स्ट्रेटजी क्या हो गई, फेल हो गई, और कंपनी क्या हो गई, फेल हो गई, समझ पा रहे हैं। जैसे आपके पास देख लीजिए जेरोक्स है, जेरोक्स ने जल्दी से क्या किया, डिजिटल प्रिंटिंग किया और डिजिटल प्रिंटिंग वहां पर बनाया, तो उस केस में देख लीजिए कंपनी क्या हो गई, सक्सेसफुल होगी। तो दीज आर स्ट्रेटजिक रिस्क, समझ पा रहे हैं। अगर स्ट्रेटजी आपने सही से नहीं बनाया, कोटक ने वहां पर सही से स्ट्रेटजी नहीं बनाया, उन्होंने वहां पर डिजिटल कैमरा लॉन्च नहीं किया, तो उस केस में देख लीजिए कंपनी पूरी क्या हो गई, फेल हो गई। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज योर स्ट्रेटजी रिस्क, कि आपकी स्ट्रेटजी फेल हो जाना है, जिस स्ट्रेटजी पे आप काम कर रहे हो वो स्ट्रेटजी अगर फेल हो गई तो दिस इज योर स्ट्रेटजिक रिस्क। तो लिख लो इस पे, इट कैन बी thought of in the context of large new business investments. Which carry a high degree of which carry a high degree of uncertainty as to ultimate success and profitability. ठीक है, तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज योर स्ट्रेटेजिक रिस्क। एग्जांपल आप लिख लीजिए नोकिया, कोडैक, ज़ेरॉक्स, तो दिस इज रिलेटेड टू द स्ट्रेटेजिक रिस्क। ठीक है, आपकी स्ट्रेटेजी फेल हो रही है तो आपको बहुत जल्दी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी जिससे आप वापस मार्केट में आ सके। ठीक है, अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी लॉन्च करनी पड़ेगी। तो आप देखें सैमसंग ने वहां पर एंड्रॉयड फोन बनाया तो टॉप पे पहुंच गया सर। ठीक है, नोकिया क्या हो गया, फेल हो गया, अब वापस उसने वहां पर एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। तो दिस इज रिलेटेड टू द स्ट्रेटेजिक रिस्क। नाउ द लास्ट वन, दिस इज द एट्थ वन, लास्ट वन इज योर रेपुटेशनल रिस्क। रेपुटेशनल रिस्क या रेपुटेशन रिस्क, अब रेपुटेशन इज रिलेटेड टू कि आप वहां पर मार्केट में वापस रिपेमेंट्स कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज अगेन रिलेटेड टू द क्रेडिट वर्दीनेस और द वर्दीनेस ऑफ एन एंटरप्राइज। समझ पा रहे हैं कि वहां पर रेपुटेशन कैसी है उसकी, अगर वहां पर वो रिपेमेंट्स नहीं करेगा तो उसकी रेपुटेशन फॉल हो जाएगी, वहां पर वो अपने क्रेडिटर्स को रिपेमेंट नहीं करेगा तो उसकी रेपुटेशन मार्केट में फॉल हो जाएगी, अपने एम्प्लॉयज की रिपेमेंट नहीं करेगा, उनकी सैलरी नहीं देगा, जो भी सप्लायर्स है उनकी पेमेंट नहीं करेगा, तो दिस इज रिलेटेड टू द रेपुटेशनल रिस्क। साथ में यहाँ पर आपके पास और भी चीजें हैं कि अगर वहाँ पर जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम, वी हैव एग्जांपल ऑफ मैगी, तो वहाँ पर देख लीजिए नेस्ले ने वहाँ पर मैगी में वहाँ पर कुछ आपके पास लेड पार्टिकल्स थे, लेड वहाँ पर था ज़्यादा, तो उस केस में वहाँ पर उसकी रेपुटेशन क्या हुआ, फॉल हुआ। तो दिस इज रिलेटेड टू द रेपुटेशनल रिस्क, कि आपका कोई भी एक्ट और एक्शन उसकी वजह से आपकी रेपुटेशन पे जो इम्पैक्ट हो सकता है, तो वो आपके पास क्या है, दिस इज योर रेपुटेशनल रिस्क। तो लिख लो इस पे, दो पॉइंट हैं, फर्स्ट पॉइंट इज लिंक्ड टू द रेपुटेशनल रिस्क, इट कंसिस्ट ऑफ टू,
consists of, पहला पॉइंट, ए जनरल परसीव्ड यू हैव ए जनरल परसेप्शन ट्रस्ट वर्दीनेस. Of an entity. That is, it able and willing to meet its obligations. Obligation to its creditors. Employees, etc. तो वहां पर देख लीजिए, this is the general trustworthiness of an entity. This is able to willing to meet its obligation to its creditors, employees or the other parties. Second point, final point, this is related to the general perception. That the entity engages in the dealing and conducts business in an ethical manner. Ethical मैनर. तो अगर वो एथेटिकली कोई बिजनेस वहाँ पर रन नहीं कर रहे तो उस केस में वी हैव अ रेपुटेशनल रिस्क. हमें रेपुटेशनल रिस्क हो सकता है, आप एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में वी हैव अ रेपुटेशनल रिस्क. यहाँ पर आपके पास देख लीजिए, कोई भी आपका इवेंट या कोई भी आपका एक्ट आपकी रेपुटेशन को इम्पैक्ट कर सकता है, आपका कोई भी एक्शन आपकी रेपुटेशन को क्या कर सकता है, इम्पैक्ट कर सकता है, एंड दिस इज योर रेपुटेशनल रिस्क. उसका एग्जांपल आपके पास देख लीजिए, वी हैव ए एग्जांपल ऑफ नेस्ले, कि वहाँ पर उसने देख लीजिए मैगी में जैसे ही वहाँ पर लेड पार्टिकल्स थे या लेड वहाँ पर उसका रेशियो ज़्यादा था, तो उस केस में वहाँ पर देख लीजिए उसकी रेपुटेशन पे इम्पैक्ट हो सकता है, या आप वहाँ पर कोई अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस केस में वहाँ पर आपकी रेपुटेशन पे क्या हो सकता है, इम्पैक्ट हो सकता है. ठीक है, तो ये आपके पास, दीज आर द 8 टाइप्स ऑफ रिस्क. देख लीजिए, वी हैव रेपुटेशनल रिस्क, वी हैव स्ट्रेटेजिक रिस्क, वी हैव बिजनेस रिस्क, वी हैव लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, वी हैव लिक्विडिटी रिस्क. लिक्विडिटी रिस्क में आपके पास दो थे, एक फंडिंग लिक्विडिटी, एक ट्रेडिंग लिक्विडिटी, एंड क्रेडिट रिस्क में वी हैव 4 रिस्क, डिफॉल्ट, बैंक्रप्सी, वी हैव डाउनग्रेड एंड द सेटलमेंट रिस्क. एंड द फर्स्ट वन, दिस इज योर मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एंड कमोडिटी रिस्क एंड द इक्विटी प्राइस रिस्क. तो दीज आर द रिस्क. इन पे मैंने अभी नहीं लिखवाया बिकॉज ये दोबारा से पूरा लिखा जाएगा, तो इसलिए मैं वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, वहाँ पर ही हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे. तो दिस इज़ योर इंट्रोडक्शन पार्ट. मैंने इस इंट्रोडक्शन में पूरा आपको पेपर पैटर्न से डिस्कस किया, साथ में वहाँ पर पेपर स्टाइल क्या है, साथ में किन वहाँ पर देख लीजिए टॉपिक्स को किस तरह से वहाँ पर मैंने डिवाइड किया है, क्या क्या आपको लेके जाना है अपने एग्जाम्स में, किन चीज़ों को आपको कैरी करना है अपने एग्जाम में, अपने साथ लेके जाना है, साथ में केस स्टडी को सॉल्व करने का स्ट्रेटजी क्या है, उसको किस तरह से क्रैक कर सकते हैं और ईजिली यहाँ पर 70-80 मार्क्स हम बना सकते हैं. ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच.